हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं इस लेक्चर में सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। तो पहला हमारा, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो उत्तर में है जीवाश्मों की। ठीक है, अगला हमारा, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर में का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो याद रखिए ये है एकृत। अगला, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो यह दिल्ली या स्प्लीन। अगला हमारा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो याद रखिए यह क्वांटोसोम। अगला, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखिए शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला हमारा, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ प्रकोष्ठ होते हैं? तो याद रखिए दो। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो याद रखिए किडनी। अगला हमारा, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो याद रखिए न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला, डायनेमो का क्या कार्य है? तो याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। अगला है हमारा, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जा गया था? तो याद रखिए रेडियम। अगला है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो याद रखिए उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अगला है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो याद रखिए सेल्यूलोज। अगला है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो याद रखिए क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। अगला है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिए जीरोन्टोलॉजी। अगला है हमारा, डोलोमाइट किसका है? इसके तो याद रखिए कैल्सियम का। अगला है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिए विटामिन सी। अगला हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो याद रखिए ऑडियोमीटर। अगला है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए जीवाणु द्वारा। अगला है हमारा, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैगनी। अगला है, रेफ्रिजरेटर में पिसीतक क्या होता है? तो याद रखिए फियोन। अगला है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो याद रखिए लैक्टोबैसिलस। अगला है, किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो याद रखिए किडनी। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो याद रखिए प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। अगला है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो याद रखिए रेखीय संवेग के संरक्षण। अगला हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो याद रखिए हरगोविंद खुराना। अगला हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल ला होने का क्या कारण है? तो याद रखिए वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल उनके पलायन वेग से अधिक। अगला हमारा, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो याद रखिए क्लोरेला। अगला हमारा, प्रकृति रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिए आइसोपीन का। अगला हमारा, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो याद रखिए प्लाज्मा। अगला हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो याद रखिए तप्त तार मीटर से। अगला हमारा, विकास तरंगों को किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो याद रखिए ध्रुवण। अगला, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो याद रखिए वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला हमारा, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो याद रखिए 7.4। अगला हमारा, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो याद रखिए कार्बन। अगला हमारा, गह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिए कॉपलर।
अगला है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिए नाभिकीय संलयन बल। अगला प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखिए रदरफोर्ड ने। अगला हमारा कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो याद रखिए पानी। अगला हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो याद रखिए हीरे के भार का मात्रक। अगला है हमारा गैल्वेनिकित लोहे का, लोहे पर किसका लेप होता है, तो याद रखिए जिंक का। अगला है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखिए सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला है हमारा 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, सीवी रमन का। अगला है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो याद रखिए गलगंड। अगला है विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है, तो याद रखिए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगला है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो याद रखिए क्वांटासोम। अगला है हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, तो याद रखिए 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला है सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए फोटोमीटर। अगला हमारा रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है, तो Pb3O4। अगला है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा, कोलन में। अगला है हमारा डार्क एवेंजर क्या है, तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगला है हमारा फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए शैवाल का। अगला है हमारा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिए विटामिन B12। अगला है मेनिनजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो याद रखिए मस्तिष्क। अगला है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है, तो याद रखिए हेपेरिन की उपस्थिति। अगला है हमारा चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया होता है, तो याद रखिए कन्वेक्शन द्वारा। अगला है वैद्यों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए गैरियाटिक्स। अगला है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, तो याद रखिए ग्लूकोज। अगला है हमारा HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है, तो एड्स। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो याद रखिए पिट्यूटरी। अगला है हमारा एंजाइम मूलतः क्या है, तो याद रखिए प्रोटीन। अगला हमारा पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो याद रखिए यकृत में, लीवर में। अगला हमारा कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो याद रखिए एस चंद्रशेखर ने। अगला हमारा साइनोकोआलिन कोआलमीन क्या है, तो याद रखिए विटामिन B12। अगला हमारा टेट्रा डोथाइलेड फेटोल में क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिए यह एंटी नोकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। तो अगला हमारा हीरा हीरे की चमक होती है, तो याद रखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला हमारा अपेक्षित आद्रता नापी जाती है, तो यह हाइग्रोमीटर से। अगला है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिए वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया, तो याद रखिए जॉन साल्क ने। अगला है गोबर गैस का मुख्य संघटक है मेथेन। अगला हमारा हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो याद रखिए क्वांटोसोम। अगला है न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिए त्वरण का। अगला हमारा गोइटर नवक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखिए आयोडीन की कमी के कारण। अगला है वायरोलॉजी किसका अध्ययन करती है, तो याद रखिए विषाणु का, वायरस का। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो स्कर्बिक अम्ल एसिड है, याद रखिए। अगला है हमारा सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन
रक्त दाब होता है तो 80 मिमी बारिश के। अगला है, श्वेत प्रकाश के पिगमेंट द्वारा बने बर्ड कम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो याद रखिए बैगनी रंग का। अगला हमारा केलोमल क्या है, तो याद रखिए मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला है, सिंदूर का रासायनिक नाम होता है तो मर्क्यूरिक सल्फ्राइड। अगला है, झूठा सोना कहलाता है तो याद रखिए प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फ्राइड अथवा आयरन पाइराइट्स। अगला है, पिंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है तो याद रखिए ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला है, आंतों में प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में अपघटित करने को में उत्प्रेरक होता है तो याद रखिए पेप्सिन एंजाइम। अगला हमारा एस्टो डी क्या है, तो याद रखिए ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स रे उपग्रह। अगला हमारा, ध्रुव तारा आकाश में एक स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है, तो याद रखिए ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। अगला है, मनुष्य हृदय में सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है, तो याद रखिए 72 बार। अगला हमारा, स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं, तो याद रखिए रक्तदाब ब्लड प्रेशर। अगला है, 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो याद रखिए रक्त समूह की। अगला हमारा, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो याद रखिए जल के कणों द्वारा विकास के विकिरण के कारण। अगला, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो याद रखिए नाइट्रोजन। अगला हमारा, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर उनके सामान्य वातावरण में। अगला हमारा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला विश्व के प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में की थी तो वह कौन है, तो याद रखिए मैडम क्यूरी 1930 में भौतिक विज्ञान में। अगला बात करते हैं, पानी में सुई को डूब तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है, तो याद रखिए जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह पिल वन कहता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अब बात करते हैं, अगला है, भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिए इनसेट 2A। अगला हमारा, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो याद रखिए विटामिन डी का। अगला हमारा, हेली पिछल तारा अतिथि कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है, तो याद रखिए 76 वर्ष बाद। अगला है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित होती है, तो याद रखिए यह पराशब्द तरंगों की सहायता से। अगला हमारा, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए एड्स। अगला हमारा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो याद रखिए विटामिन के। अगला है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो याद रखिए आवेश की मात्रा का। अगला है, लाइफिंग गैस है, तो याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, वाह चुम्बकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो याद रखिए लोहे कवर में रखकर। अगला है हमारा, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो याद रखिए न्यूक्लियर संलयन। अगला हमारा, जी केटों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो याद रखिए किसी प्रकार का नहीं। अगला हमारा, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है तो याद रखिए जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। अगला हमारा, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो याद रखिए किडनी के माध्यम से। अगला हमारा, हेटरोफाइट किसे कहते हैं, तो याद रखिए जलीय पौधों को। अगला हमारा, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो याद रखिए अनंत। अगला है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनता है, तो याद रखिए दूसरा। अगला हमारा, तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है, तो याद रखिए तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। अगला हमारा, पेंसिल का लेड होता है, तो याद रखिए ग्रेफाइट का। अगला है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो याद रखिए बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है।
लोलक घड़ियां गर्मियों से में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो याद रखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगली बात करते हैं, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला है, पीतल मिश्र धातु है, तो याद रखिए जस्ता और तांबा की। अगला है हमारा, गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए मैनोमीटर। अगला है हमारा, वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डोम्बे में किस स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो याद रखिए ध्रुव। अगला है हमारा, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो याद रखिए छोटे पेप्टाइड्स में। अगला है, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो याद रखिए माइक्रोस्पोरम। अगला है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो याद रखिए विटामिन सी। अगला है हमारा, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो याद रखिए ओस्मियम। अगला है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो याद रखिए चांदी। अगला हमारा, पोटेशियम का एस कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो याद रखिए KCl MgCl2 6H2O। अगला हमारा, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंतता क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिए सीसा। अगला हमारा, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो याद रखिए डेसीबल। अगला हमारा, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो याद रखिए क्रोमियम लोहा निकेल। अगला है हमारा, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन होता है? तो याद रखिए फाइकोलॉजी। अगला है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसिस एसिडाई। अगला है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो याद रखिए शुगर की, शर्करा की। अगला है हमारा, शौचालय बैग किस नियम के आधार पर बने हैं? तो याद रखिए पारकेल के नियम के आधार। अगला है हमारा, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिए कॉर्नबर्ग ने। अगला है, फोटोग्राफी में व्यक्त होने वाला हाइप्रो का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए सोडियम थायोसल्फेट। अगला है, भारत गैस भोपाल गैस दुर्घटना में मृत का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम है? याद रखिए मेथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। अगला है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिए ट्रिटिकम एस्टिकम ट्रिटिकम वल्गेयर। अगला है हमारा, ऑक्सीनोमीटर से क्या नापते हैं? तो याद रखिए पौधों की रेखीय वृद्धि दर। अगला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिए ताप बढ़ जाता है। अगला हमारा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। अगला है, मनुष्य की सर्वता की सीमा होती है? तो याद रखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है? तो याद रखिए Fe4 7H2O। अगला है हमारा, कैलोमेल का रासायनिक नाम है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला है हमारा, हीरे की चमक का कारण है? तो याद रखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है? तो याद रखिए न्यूटन प्रति कूलाम। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो टेकोफेरॉन फेरोन। भारी जल क्या है? तो याद रखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अगला है हमारा, टिकोना रोग के संग से संबंधित है रोग है? तो याद रखिए आंख से। अगला है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के जिम्मेदार है? तो याद रखिए पीलिया। अगला हमारा, एपिलेप्सी रोग का संबंध है? तो याद रखिए नाड़ी संस्थान से। अगला है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो याद रखिए AB तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से। अगला हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो याद रखिए एडवर्ड जेनर ने। अगला हमारा, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो याद रखिए आयरन और कॉपर। अगला हमारा, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है, सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो याद रखिए मूंगफली में दानों का प्रतिशत।
विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो याद रखिए, होट बोल गया। अगला है हमारा, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए, सानेन। अगला हमारा, हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो याद रखिए, ढलवा लोहे का। अगला हमारा, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखिए, लगभग 90 कैलोरी। अगला है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है? तो याद रखिए, हीमोग्लोबिन। अगला है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो याद रखिए, आमाशय। अगला है हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए, डार्विन ने। अगला है हमारा, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो याद रखिए, मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में। अगला है हमारा, डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो याद रखिए, टिटनेस, डिप्थीरिया और ह्यूपिंग का। चलिए, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। अगला है हमारा सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। तो वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो याद रखिए, 0.8 सेकंड, 8 सेकंड। अगला है, मछलियों में श्वसन हेतु अंग है? तो याद रखिए, क्लोम। अगला है, वाटसन वाक्य को जीव विज्ञान की किस बहुत खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिए, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। अगला है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो याद रखिए, एंटोनी वॉन लुईवेन हॉक ने। अगला है हमारी, विज्ञान की शाखा एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए, घास का। अगला है हमारा, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो याद रखिए, कोलन में, बैक्टीरिया द्वारा। अगला है हमारा, पेडियाटिक्स का संबंध होता है तो बच्चों के रोगों से। अगला है हमारा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से। अगला है हमारा, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता। अगला है, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो याद रखिए, ये भी आपेक्षिक घनत्व है। अगला है हमारा, रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज। अगला हमारा, किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो याद रखिए, पायराइट को। अगला हमारा, एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार कम करने के लिए। अगला हमारा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो याद रखिए, सोडियम थायोसल्फेट। अगला है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिए, यूरोकॉम के कारण। अगला है हमारा, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो याद रखिए, अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। अगला है हमारा, नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो याद रखिए, कॉर्निया का। अगला है हमारा, फिलाग्या रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिए, नियासीन की कमी के कारण। अगला है हमारा, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो याद रखिए, प्रकाश का विकिरण। अगला है हमारा, खसरा होने का क्या कारण है? तो वायरस। अगला है, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो याद रखिए, 24%। अगला है हमारा, नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिए, कारुथर्स, 1937। अगला है, रोटाइल किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिए, टिटेनियम। अगला, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है? तो याद रखिए, लिथार्ज। अगला है हमारा, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, कोलाबा, महाराष्ट्र में। अगला है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो याद रखिए, व्हेल में। अगला है हमारा, रेडियो एक्टिविटी की इकाई है? तो याद रखिए, वैक्यूल रेल। अगला है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान है? तो याद रखिए, इकोस्टिक। अगला है हमारा, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या है? तो याद रखिए, 0.51 MeV। अगला है, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? तो याद रखिए, लक्स। अगला है, बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? तो याद रखिए, वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगला है हमारा, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो याद रखिए, ए आई ओपेरिन। अगला
अगला है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिए एफ सी बेंटिंग ने। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए स्कर्वी अम्ल। अगला है हमारा सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र है, तो याद रखिए सी ए, फिर कोष्टक H2PbO4 कोष्टक बंद 2। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, तो याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध है, तो याद रखिए नाड़ी संस्थान से। अगला है हमारा डॉप सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है, तो याद रखिए आर्जिमोन। अगला है हमारा हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, तो याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। अगला है हमारा किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है, तो याद रखिए सोनार। अगला है हमारा मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है, तो याद रखिए विक या किडनी। अगला है मैनोमीटर से क्या नापते हैं, तो याद रखिए गैसों का दाब। अगला है हमारा पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, तो याद रखिए विटामिन B6 का। अगला है हमारा मैनोमीटर से क्या नापते हैं, तो याद रखिए गैसों का दाब। अगला है हमारा चार अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाता जाएगा, तो 1/6 भाग, 1/16 भाग। अगला है हमारा शुष्क छिपाक का कारण क्या है, विटामिन ए की कमी। अगला है हमारा सोडियम के किस यौगिक को वाटर गिलास कहा जाता है, तो याद रखिए सोडियम सेलिकेट को। अगला है हमारा चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है, तो याद रखिए अनुचुंबकीय। अगला है हमारे एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक जेड है, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा, तो याद रखिए Z+1। अगला है हमारा रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की, तो याद रखिए प्रोटॉन की। अगला है रक्त का थक्का किस रूप में नहीं जमता है, तो याद रखिए हीमोफीलिया। अगला है डीएनए उपस्थित रहता है, तो याद रखिए केंद्रक में। अगला है हमारा आनुवंशिकी की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी, तो याद रखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला है एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो याद रखिए 931 MeV। अगला है पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है, तो याद रखिए अवतल लेंस की तरह। अगला इलेक्ट्रॉन बोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिए ऊर्जा का। अगला है साबुन के बुलबुले में विकास की घटना का के कारण रंग दिखाई देता है, याद रखिए व्यतिकरण के कारण। अगला है हमारा गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला है हमारा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिए हमारे अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है किसी तारे का रंग किसका परिचायक है, तो तारे के ताप का। अगला है हमारा भारी जल होता है, तो याद रखिए ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O। अगला है हमारा अर्जेंटाइन टाइट किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिए चांदी का। अगला है हमारा दूध का pH मान होता है, तो याद रखिए 6.6। अगला है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और तथा कहाँ इकट्ठा होता है, तो याद रखिए यकृत में बनता है और गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है, तो याद रखिए स्टिपीडस। अगला हमारा हेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ऊतकों का। अगला है न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिए त्वरण का। अगला है हमारा आयोडीन टिंक्चर क्या है, तो याद रखिए आयोडीन का एल्कोहोली विलयन। अगला रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस मंडल से परावर्तित होती हैं, तो याद रखिए आयरन मंडल। अगला हमारा टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, तो याद रखिए क्रोमो फ्लास्ट के कारण। अगला पारिस्थितिकी की संबंधित है, तो याद रखिए जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। अगला है हमारा भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखिए जून 1972। अगला है हमारा सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया, तो याद रखिए सन 1942 में। अगला
अगला आई राइट क्या है? तो याद रखिए विकलांगों का कंप्यूटर। अगला पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो याद रखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला हमारा इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो याद रखिए अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है पुष्प में पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उन्हें पाया जाता है? तो याद रखिए एंथोसाइनिन। अगला है सेब के खाने योग्य भाग है? तो याद रखिए रसदार थैलामस। अगला है मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है? तो याद रखिए 72 बार। अगला है स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? तो याद रखिए उत्प्रेरक। अगला है हमारा फॉरेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो याद रखिए 212 डिग्री फॉरेनहाइट। अगला है समान परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं? तो याद रखिए समस्थानिक। अगला है हमारा इंसुलिन की खोज की थी? तो याद रखिए एफजी वेंटिंग ने। अगला है हमारा बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो याद रखिए पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 28 फरवरी को। अगला है हमारा राइबोफ्लाविन है? तो याद रखिए विटामिन बी2। अगला है हमारा मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होते हैं? तो याद रखिए फार्मिक अम्ल के कारण। अगला है संवेग कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश? तो याद रखिए सदिश। अगला हमारा ये हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो याद रखिए आयरन ऑक्साइड का, आयरन का। अगला है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो याद रखिए नाभिकीय संलयन। अगला है भू प्रपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो याद रखिए ऑक्सीजन। अगला है हमारा ध्वनि वेग अनुमान तक कितना होता है? तो याद रखिए 330 मिली सेकंड प्रति सेकंड। अगला है पानी का भी घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है हमारा सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1930 में रमन प्रभाव के लिए। अगला है हमारा कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसकी बनाई जाती है? तो याद रखिए सिलिकॉन। अगला है मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो याद रखिए फीमर। अगला है हमारा ब्लू बेटॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को। अगला है हमारा पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो याद रखिए तना से। अगला है हमारा होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो याद रखिए वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की। अगला है इंसुलिन की खोज की? तो ये है जीवेंटिंग ने। अगला है हड्डियों में फॉस्फोरस फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। अगला है मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैस का दाब। अगला है हमारा टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो याद रखिए स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस से। अगला है ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है हमारा कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो याद रखिए R.A. मिलिकन ने। अगला है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है? तो याद रखिए ओम। अगला है पृथ्वी का औसत घनत्व है? तो याद रखिए 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला है जर्मन सिल्वर में कौन से घट संघटक होते हैं? तो याद रखिए तांबा निकिल जिंक। अगला है चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखें आइसोक्लिनिक रेखा। अगला है पक्षियों की पूंछ उड़ने में उनकी किस काम आती है? तो याद रखें हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला हमारा कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं कोशिका का? तो याद रखें माइटोकांड्रियल। अगला है हमारा घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का उपयोग किया करते हैं लाइव न्यूट्रल अर्थ। तो इसी क्रम में तारों का रंग होता है? तो याद रखिए लाल काला और हरा। अगला हमारा ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत क्यों होता है? तो याद रखिए पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। अगला हमारा तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो याद रखिए हाइड्रोजन व हीलियम।
अगला हमारा कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर बैटरी। अगला हमारा आकाश सबसे चमकीला सितारा है तो याद रखिए साइरस। अगला है ऑक्सीजन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है तो लाभ या हानि, तो हानि। अगला है नोबेल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती, तो याद रखिए क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है पानी में साबुन घुलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिए पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला है पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिए ट्रांसियम की कमी की उपस्थिति के कारण। अगला है फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो एथिलीन का। अगला है फलों का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए पोमोलॉजी। अगला है रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो याद रखिए सोडियम नाइट्रेट या डेक्सट्रेट के साथ। अगला है हमारा फिकास में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है, तो याद रखिए फिकास की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला है एक फिकास वर्ष होता है, तो याद रखिए 9.46 × 10^12। अगला है फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइप्रो विलयन का नाम क्या है, तो याद रखिए सोडियम थायोसल्फेट। होकुम का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, तो याद रखिए भौतिक विज्ञान से। अगला है डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिए ध्वनि तथा विकास से। अगला है हमारा मेंडल का नियम किससे संबंधित है, अनुवांशिकता से। अगला है स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो याद रखिए ग्लेवेनाइजेशन। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो याद रखिए डायनेमो। अगला है हमारा सूक्ष्म कणों को किस द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं, तो याद रखिए ब्राउ नियम मूवमेंट। अगला है विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। अगला है हमारा क्रिस्टोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है, तो याद रखिए पौधों के बढ़ने की दर। अगला हमारा प्रोटीन किन से मिलकर बनता है, तो याद रखिए अमीनो अम्ल से। अगला है विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है, तो याद रखिए अम्लीय। अगला है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं, तो याद रखिए क्षणिक आवेग। अगला है संट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है, तो याद रखिए अमीटर में। अगला है हमारा रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, तो याद रखिए सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ। अगला हमारा कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए ब्लू बेटोल के नाम से। हम अगला हमारा कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है, तो याद रखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। अगला है गैसों का विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखिए ग्रहण ने। अगला है खाने के सोडे का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है 1 ms × √2 किसकी स्क्वायर टू मतलब कितनी धारा के बराबर होता है, तो धारा के अधिकतम मान के बराबर। अगला है केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो याद रखिए 273 केल्विन। अगला है भारतीय मूल का जीव वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखिए पेपू क्रेस्टस क्रेस्टेटस। अगला है शरीर में रक्तालपा की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो एनीमिया। अगला है लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था, तो याद रखिए बेंजामिन फैकलिन। अगला है 98.6 °F तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है, तो याद रखिए 37 °C। अगला है प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो याद रखिए सेल्यूलोज। अगला है हमारा विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी के थोड़ पर जमा होती है क्या कहलाती है, एक फैराडे। अगला पृथ्वी की आयु किस विधि से क्या करते हैं, तो याद रखिए यूरेनियम डेटिंग विधि से। अगला है नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका उपयोग किया गया था, तो याद रखिए प्लूटोनियम। अगला हमारा किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ है कि DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है, तो याद रखिए हर्षे एवं चेज। अगला है सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल। अगला है हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो याद रखिए लोहा। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो स्कर्वी अम्ल।
अगला कौन सा पदार्थ, कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया, तो यूरिया। अगला रोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो याद रखिए यूपीडीबी। अगला जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, तो समस्थानिक। अगला क्योराटो मलेशिया या जीरो थेलीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से। अगला टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखें लाइकोपीन। अगला क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं, तो याद रखें हेलोजन परिवार के। अगला बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखें नाइट्रोजन ऑक्साइड में। अगला संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल अवस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावण तैयार करता है, तो एड्रेनल। अगला हमारा मादा एनोफिली मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग हैं, तो मैक्सिकिला और मैंडी वाल बल। अगला परमाणु भट्टी में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो याद रखिए मंदक के रूप में। अगला हमारा गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिए हीलियम ऑक्सीजन का। अगला जूल सेकंड किसका मात्रक है, याद रखिए शक्ति पावर का। अगला फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है, तो याद रखिए दिशा। अगला है फोबोस एवं डायोस किस ग्रह के उपग्रह, तो याद रखिए मंगल के। अगला हमारा इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है, तो याद रखिए आसवन द्वारा। अगला है गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिए वल्कनीकरण। अगला हमारा बैक्टीरियोफेज क्या है, तो याद रखिए बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। अगला रेडियो एक्टिविटा में बीटा किरणें होती हैं, तो याद रखिए रेडियोवांशित। अगला हमारा कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो याद रखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड राइड अम्ल का। सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इसमें अगला हमारा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखिए 24 कैरेट का, कैरेट का। अगला हमारा किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है, तो याद रखिए ओम का नियम। अगला हमारा स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो याद रखिए एमीलेस, एमीलेस। अगला हमारा परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो याद रखिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला हमारा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो याद रखिए आइंस्टीन ने। अगला हमारा आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है, तो याद रखिए नेप्थेनेट पामी टेट। अगला है हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए कार्बन फाइबर। अगला है जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है, तो याद रखिए बर्नौली का नियम। अगला है वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है, तो याद रखिए आर्द्रता बढ़ जाने पर। अगला है आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, तो जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो याद रखिए लाइसोजाइम। अगला है परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम मूल अंतर क्या है, तो याद रखिए परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। अगला है किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो याद रखिए 4 गुना, 4 गुनी। अगला है हमारा किसी की किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है, तो याद रखिए घर्षण की। अगला है हमारा झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्प्रेक्ष बल क्या होता है, तो याद रखिए नियत रहता है। अगला है हमारा बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है, तो याद रखिए विकिरण से। अगला है अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता, तो याद रखिए कम हो जाती। अगला है हमारा किसके कारण खुले में रखा दूध देर बाद खट्टा हो जाता है, तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अगला है हमारा अभ्यक
ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है, तो याद रखिए सुचालक कुचालक। अगला हमारा, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनकी कौन सी प्रक्रिया होती है, तो याद रखिए नाभिकीय संलयन। अगला हमारा, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है, तो याद रखिए 11.2 किलोमीटर सेकंड। अगला हमारा, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिए क्रायोनिक्स। अगला है, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है, तो तारे के ताप से। अगला है, रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है, तो याद रखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO D2O। अगला है, हीलियम को छोड़कर सभी अपक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिए 8। अगला हमारा, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, तो याद रखिए कार्बन के। अगला हमारा, किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है, तो याद रखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। अगला हमारा, न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है, तो याद रखिए तंत्रिका तंत्र की इकाई। अगला हमारा, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, यूरेनॉल कहलाता है। अगला हमारा, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा, जल में विकास का वेग कितना होता है, तो याद रखिए 2,25,000 मिलीमीटर सेकंड। अगला, एक पार्सेक में कितने मीटर के बराबर होता है, तो याद रखिए एक एक पार्सेक बराबर 3.09 × 10^16 मीटर। पार्सेक दूरी का मात्रक है जो पारलेक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है, पाराइट। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकांड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो याद रखिए सी बेंडा ने। अगला हमारा, वेस्ट्रिक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी में क्या है, तो याद रखिए संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला हमारा, साबुन घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, तो याद रखिए प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगला हमारा, विटामिन ए का संग्रह किस अंग से में होता है, तो याद रखिए यकृत में। अगला हमारा, यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से सहयोग करता है। अगला हमारा, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया, तो याद रखिए कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। अगला हमारा, मधुमक्खी की भाषा का अनुवादक करने वाला वह वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिए कार्ल वान फ्रिस्ट। अगला, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से। अगला, खसरा रोग किससे फैलता है, तो याद रखिए वायरस से। अगला, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिए वेंटिंग वेस्ट ने। अगला हमारा, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो याद रखिए बिना मिट्टी वाले पानी की खेती से। अगला है, कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है, तो याद रखिए विटामिन ए तथा विटामिन डी का। अगला है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो याद रखिए 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, जो जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है, यह नियम कहलाता है, तो याद रखिए ऊष्मा गति का गति की गतिकी के शून्यांक नियम। अगला है, रमन विभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, यस वह संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था, तो याद रखिए अल्फा किरणों के। अगला है, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिए स्टांसियम के कारण। अगला है, जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो याद रखिए संवेग संरक्षण के आधार। अगला हमारा, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखिए W. जॉन सैन ने। अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप किसका बना होता है, तो याद रखिए सिलिकॉन। अगला हमारा, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो याद रखिए बंगलोर में। अगला है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिए मेथाइल आइसोसाइनेट। अगला है, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी है, तो याद रखिए अनंत।
अगला है हमारा, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो याद रखिए निकट दृष्टि। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो याद रखिए स्टेपेडिस पेडियस। अगला है, पौधे के किस भाग में पराग कणों का निर्माण होता है? तो याद रखिए फूल। अगला है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो याद रखिए 25.4 मिलीमीटर। अगला है, एलपीजी का पूरा नाम है? तो याद रखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है हमारा, लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? तो याद रखिए हरा रंग। अगला है हमारा, चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा गया? तो याद रखिए हिप्पोक्रेटस को। अगला है हमारा, अनुवांशिक के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो याद रखिए ग्रेगोर मेंडल को। अगला है, मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए स्तनधारी जंतुओं का। अगला है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो याद रखिए सड़ी मछली की तरह। अगला है हमारा, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है? तो सोडियम टेट्राबोरेट। अगला है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो याद रखिए मैगेट। अगला है, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो याद रखिए प्रॉप जड़ें। अगला है, फार्मा कोग्नोसी के अध्ययन में किया जाता है, मैं अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए औषधीय पौधों का। अगला है हमारा, कैलोमल का रासायनिक नाम है? तो याद रखिए मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला है हमारा, गैलीनियम दूरदर्शी के अभिदेशक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की दूरी 2 सेंटीमीटर, सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी? तो याद रखिए 58 सेंटीमीटर। अगला है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो याद रखिए नाभिकीय सलिनय। अगला है, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो याद रखिए चेब्लेंड से। अगला है, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो याद रखिए शहतूत की पत्तियों का। अगला है हमारा, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो याद रखिए हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया। अगला है, ध्रुवण की किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो याद रखिए अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला है हमारा, धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है? तो याद रखिए उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। अगला है हमारा, कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर हेतु किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? तो याद रखिए ट्राइटेनियम। अगला है, फलाग्र रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखिए नियासीन। अगला है, 14 वाष्प घनत्व वाले गैस का आणुभार कितना होगा? तो याद रखिए 28। अगला है हमारा, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो याद रखिए तांबा। अगला है हमारा, बीषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए स्टेनले को। अगला है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं चूना। अगला है हमारा, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने का एंजाइम है? तो याद रखे एमाइलेज। अगला है, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो याद रखिए अग्नाशय। अगला है हमारा, अवतलोत्तर लेंस होता है? तो याद रखिए अभिसारी या अपसारी अभिसारी होता है। अगला है, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लेक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है? तो याद रखिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अगला है, प्रोजिस्टोन की खोज कब किसने की? तो याद रखिए 1932 में एंडरसन ने। अगला है हमारा, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो याद रखिए पिटुआ लोहे में। अगला है हमारा, वाटर गैस किस दो गैसों के मिश्रण की होती है? तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। अगला है हमारा, एंटी पायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो याद रखिए शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। अगला है हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो याद रखिए वॉटसन एंड के। अगला हमारा, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया मिला? तो याद रखिए सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। अगला है हमारा, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो याद रखिए विटामिन ई का। अगला है, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है? तो याद रखिए छोटी व बड़ी आंत।
अगला है हमारा कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा पदार्थ प्रदान करता है, तो याद रखिए गहरा नीला। अगला है हमारा रॉकेट के ऊपर जाने के सिद्धांत है, तो याद रखिए रेखीय संवेग का संरक्षण। अगला है हमारा डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं, तो याद रखिए तांबा जस्ता। अगला है नीले लेटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो याद रखिए अम्ल, नीले लेटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखिए डार्विन ने। अगला है हमारा पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो याद रखिए नाइट्रोजन। अगला है हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो याद रखिए पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को। अगला है हमारा जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो याद रखिए वार वरा मैकली टोन टॉक ने। अगला है मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है, तो याद रखिए हेफेरिन। अगला है मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिए आंख। अगला है पहलवान करती हुई वस्तु का भार होता है, तो शून्य। अगला हमारा दो आवेश चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश विवाह है प्रवाह की शर्त है, तो याद रखिए दोनों समान विभव पर। अगला हमारा जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो याद रखिए वायरस। अगला हमारा केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो याद रखिए रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का। अगला है हमारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसकी दी है, तो याद रखिए वॉटसन एंड क्रिक ने। अगला है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो याद रखिए सेक्रोज। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो याद रखिए मंदक के रूप में। अगला है लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है, तो याद रखिए होलोग्राफी। अगला है गन मेटल के संघटक तत्व हैं, तो याद रखिए तांबा टिन जस्ता। अगला है सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, तो याद रखिए रिफ्लेसिया का। अगला है हमारा एक्सो बायोलॉजी जिसका अध्ययन कहलाता है, तो याद रखिए अन्य ग्रहों के जीवों का। अगला है पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है, तो याद रखिए थकान महसूस होती है। अगला है फिर कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए सैंड फ्लाई के द्वारा। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिए ऊर्जा का। अगला है हमारा फास्ट वीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। अगला है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं, तो याद रखिए दृष्टि विषम। अगला है कुंदन कोलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है, तो याद रखिए तमिलनाडु में। अगला है लेजर किसका संक्षिप्त रूप है, तो याद रखिए लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला है अधिकांश ओजोन किस मंडल में संगेदिक है, तो याद रखिए स्ट्रेटोस्फीयर। अगला हमारा टेस्ला किसका मात्रक है, तो याद रखिए फ्लक्स घनत्व का। अगला हमारा ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है, तो याद रखिए हड्डियों को। अगला हमारा कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो याद रखिए एथिलीन एसिटिलीन। अगला हमारा पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो याद रखिए पोटास की। अगला है हमारा लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है, तो याद रखिए ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक। अगला है हमारा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिए टाइलिन। अगला है हमारा जिस स्थिति में रक्त का धक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। अगला है हमारा शरीर के किस भाग को स्टेटम कार्नियम कहते हैं, तो याद रखिए सबसे बाहरी परत को। अगला हमारा ऊपरी बाहू की अस्थि किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिए ह्यूमरस। अगला है डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया, तो याद रखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में। अगला है 4 डिग्री सेल्सियस पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है, तो याद रखिए घनत्व। अगला है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए यूरेनियम। अगला है हमारा किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो याद रखिए लाइसोसोम।
अगला है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से किसका आविष्कार जुड़ा है, तो याद रखिए परमाणु बम। अगला है हमारा सेलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है, तो याद रखिए सिलिका की खदानों में काम करने वाले। अगला है एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल विकास से विकासित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी, तो याद रखिए काली। अगला है हमारा जब जर्मीनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है, तो याद रखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला हमारा ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है, तो याद रखिए नरम लोहे का। अगला हमारा रेडियो एक्टिव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखिए हेनरी बेकुरल ने। अगला हमारा यदि किसी कोन के दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिए अपरिवर्तित रहेगी। अगला हमारा पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है, तो याद रखिए हृदय की गति को। अगला हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राफ से। अगला हमारा मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए अनुवांशिकता का सिद्धांत। अगला हमारा रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो याद रखिए तंत्रिका तंत्र। अगला हमारा पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है, तो याद रखिए छोटी आंत। अगला हमारा शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है, तो याद रखिए त्वचा के द्वारा। अगला हमारा धनुष्टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ATS एंटोटॉक्सिन सेरम। अगला हमारा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों उनके वातावरण पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। अगला हमारा ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो याद रखिए यह कंगाल तंत्र। अगला हमारा यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाए तो उसका वजन कम क्यों लगता है, तो याद रखिए उत्प्लावकता बल के कारण। अगला है बिजली की घंटी के विद्युत धारा के प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए चुंबकीय प्रभाव। अगला है अस्थियों एवं कंगाल तंत्र के अध्ययन से कौन शाखा संबंधित है, तो याद रखिए ऑस्टियोलॉजी। अगला है हमारा किस कोशिका अंग को आत्महत्या के थैली कहते हैं, तो याद रखिए लाइसोसोम। तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग जनरल साइंस के। तो अब है हमारा कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो याद रखें काइटिन काइटिन। अगला है प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है, तो याद रखें लीली एसी। अगला है हमारा हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है, तो याद रखें कोरोनरी धमनी। अगला है हमारा शरीर के संतुलन के लिए मस्त मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो याद रखिए सेरिबेलम। अगला है खुर नाखून सींग दांत किस प्रकार के कंगाल के उदाहरण है, तो याद रखिए वाह कंगाल। अगला है हमारा इंसुलिन का क्या कार्य है, तो याद रखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो याद रखिए हेनरी बीकोरल। अगला किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है, तो याद रखिए पोलोनियम। अगला है नाभिक से निकलने वाले तीन विकिरणों में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो याद रखिए गामा किरणों की। अगला है हमारा ताप मानकीय अभिकीय पदार्थों की किस अवस्था में होती है, तो याद रखिए प्लाज्मा अवस्था में। अगला हमारा सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु उपयुक्त किया जाता है, तो याद रखिए एसिटोबैक्टर एसीटी। अगला है किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए नीले हरे शैवाल को। अगला है धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिए ओराइजा शैटाइवा। अगला है अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखिए मेंडल ने। अगला है ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो याद रखिए कंगाल।
कंकाल तंत्र। अगला 21 तारे का रंग किससे निर्धारित होता है, किसी तारे का, तो ताप के, तारे के ताप से। अगला 21 गैस से सड़े अंडों की गंध आती है, तो याद रखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से। अगला है शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ऊष्मा रेगुलेशन। अगला हमारा पित्तीकरण के अस्तित्व की सिद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की, तो याद रखिए P.A.M. डिराक ने। अगला हमारा ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है, तो याद रखिए अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला हमारा लाल किसके पाचन में सहायक होता है, तो याद रखिए स्टार्च के पाचन में। अगला हमारा पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिए यकृत में। अगला हमारा इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की। अगला हमारा डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है, तो याद रखिए रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना। अगला हमारा उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, तो याद रखिए हीरा। अगला ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए, तो याद रखिए केपलर। अगला हमारा समान ताप पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है, तो याद रखिए हाइड्रोजन। अगला हमारा पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं, तो याद रखिए ऑक्सीजन। अगला हमारा शुष्क बैटरी शेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो याद रखिए रासायनिक। अगला हमारा नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है, तो याद रखिए अस्थि मज्जा। अगला हमारा मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो याद रखिए विटामिन डी और विटामिन ए की। अगला हमारा एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो याद रखिए 25 सेंटीमीटर। अगला हमारा कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी, तो याद रखिए हैंसन ने। अगला हमारा पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो याद रखिए ए फ्लेमिंग ने। अगला यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखिए 18। अगला हमारा सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, तो याद रखिए 2.8। अगला हमारा कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो याद रखिए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला है स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है, तो याद रखिए 80। अगला है किस रंग के प्रकाश की किरणों में उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर गति से होता है, तो याद रखिए लाल। अगला हमारा जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिए कारिका। अगला हमारा टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का। अगला है रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखिए विटामिन डी। अगला है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए बेरी। अगला है सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है, तो एसिटिक अम्ल का। अगला है रॉकेट की गति किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, रेखीय संवेग का संरक्षण। अगला है अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिए घट जाता है। अगला है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं, तो याद रखिए 6.25 × 10^12। अगला हमारा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो याद रखिए आइसोप्रीन। अगला है भार किसका मात्रक है, तो याद रखिए वायुमंडलीय दाब का। अगला है गैलिना किसका अयस्क है, तो याद रखिए सीसा का। अगला है रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है, तो याद रखिए रेखीय संवेग के संरक्षण पर। अगला है ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है, तो याद रखिए कोणीय संवेग के संरक्षण पर। अगला हमारा कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए मेथिल सैलिसैलेट। अगला है शनिवार किसका प्रमुख एस्क है, तो याद रखिए पारे का। अगला हमारा कीमोथेरेपी क्या होता है, तो याद रखिए रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा।
अगला है हमारा, यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि। अगला है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो याद रखिए माइटोकांड्रिया। अगला है हमारा, होमो सेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिए मनुष्य का। अगला हमारा, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो याद रखिए पौधों की मृदा विहीन संवर्धन को। अगला है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिए विटामिन डी की कमी के कारण। अगला हमारा, ज्योति फ्लेक्स का मात्रक है? तो याद रखिए ल्यूमेन। अगला हमारा, गैस का नेतांक एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिए जूल प्रति के मोल। अगला हमारा, कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम है? तो याद रखिए फिनोल। अगला हमारा, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो याद रखिए मैग्नीशियम का। अगला है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए जड़त्व का नियम। अगला है, बेलाडोना नामक औषधि एटोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो याद रखिए जड़ तथा पत्तियों से। अगला है, थायमीन कौन सा विटामिन है? तो याद रखिए विटामिन B1। अगला है, कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो याद रखिए आंख। अगला है, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो याद रखिए हाइपोथैलेमस। अगला है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए एनिमल चारकोल। अगला है हमारा, अग्निशमन शमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे किया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो याद रखिए गंधक के अम्ल से। अगला है, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल है? तो याद रखिए चौगुना बढ़ जाएगा। अगला है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे? तो याद रखिए सोज T11। अगला है, केंद्रीय शुष्क जौन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिए जोधपुर में। अगला है, जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम है? क्लोनिंग। अगला है, जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो याद रखिए ATP अणुओं में। अगला है, विकास के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? तो याद रखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन। अगला है, एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो याद रखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अगला है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। अगला हमारा, रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। तो यहाँ एक और बात याद रखिए, रेडियो के आविष्कारक हैं जी मार्कोनी। अगला है, माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है? तो याद रखिए अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। अगला है, शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग को क्षति होती है? तो याद रखिए यकृत लीवर को। अगला, धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफेद व चमकीले हो जाते हैं, इसका कारण है? तो याद रखिए विकास का विकिरण। अगला है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो याद रखिए रॉबर्ट हुक ने। अगला हमारा, अपसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है? तो याद रखिए 20 हर्ट्ज से कम। अगला हमारा, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है? तो याद रखिए रोगों से रक्षा करना। अगला हमारा, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो याद रखिए विटामिन K। अगला हमारा, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो याद रखिए 105 पास्कल। अगला हमारा, साइटोकाइनेसिस में किस का विभाजन होता है? तो याद रखिए कोशिका द्रव्य का। अगला है, मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है? तो याद रखिए CH3OH। अगला है, जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है? तो याद रखिए पूर्णता अप्रत्यास्थ। अगला हमारा, किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय वैभव होता है? तो याद रखिए नियम। अगला है, जब +Q आवेश को कम वैभव वाले बिंदु से अधिक वैभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिए ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला हमारा, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश गति करता है? तो याद रखिए निम्न वैभव से उच्च वैभव की ओर।
अगला है हमारा जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल क्यों मिलाया जाता है? तो याद रखिए जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। अगला हमारा बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? तो याद रखिए सेवर अकोविड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला एंटीजन क्या होता है? तो याद रखिए एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। अगला स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिए विटामिन सी की कमी के कारण। अगला रगों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो याद रखिए यूरीएज को। अगला यूनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो याद रखिए मानव के अनुवांशिक अध्ययन का। अगला वसा का वाष्पन कौन सा एंजाइम करता है? तो याद रखिए लाइपेज। अगला है हमारा जीव दिव्य सिद्धांत की खोज किसने की? तो याद रखिए सोल्जर ने। अगला हमारा क्षेत्रफल की देशिक राशि अर्हशिक राशि है? तो याद रखिए देशिक क्षेत्रफल देशिक राशि है। अगला है ताप यन की उत्सर्जन समतुल्य क्या है? तो याद रखिए ध्रुवों के वाष्पीकरण से। अगला है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्या पंज जी? तो उसकी अर्ध आयु औसत आयु क्रम करें तो 1/3 IN2 या 1/1। अगला है रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो याद रखिए विटामिन के। अगला हमारा यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो याद रखिए गुर्दा या किडनी। अगला कल्पकम किसके लिए उत्पादित रहता है? तो याद रखिए परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। अगला है पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है? तो याद रखिए हाइड्रोफोबिया। अगला है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त तो होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? तो याद रखिए जी किरणें गामा किरणें। अगला है कोई व्यक्ति कार से घर निकलता है तो 30 सेकंड पश्चात वापस लौट आता है या गंतव्य तक की दूरी x हो तो उसका औसत वेग होगा 0। अगला हमारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी तो याद रखिए डार्विन ने। अगला है सबसे बड़ा फूल किस पौधे का है? तो याद रखिए लिप्स रेफिलिसिया का। अगला है वर्गीकरण से संबंधित शाखा है? तो याद रखिए टैक्सोनॉमी। अगला है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो याद रखिए सेकोज। अगला है क्लोरोफ्लोरों की क्लोरोफार्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? तो याद रखिए क्योंकि ऑक्सीजन पोखर यह विषैला पदार्थ हो जाता है। अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो याद रखिए ओरस्टेड ने। अगला है मैथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से। अगला हमारा कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो याद रखिए मैग्नीशियम का। अगला है जल के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो याद रखिए उपसहयोजी बंध द्वारा। अगला है किस माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? मैक नंबर। अगला है विद्युत विच्छेदन में किस पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? तो याद रखिए 96,500 कूलम विद्युत आवेश की। अगला है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए यूरेनियम। अगला हमारा परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस रसम स्थानिक का उपयोग होता है? तो याद रखिए Na24 का। अगला यदि यूरेनियम 238 विघटित होकर यूनिट प्रोटेक्टिनियम 234 बनाता है तो इसके कितने ए और बी किरणों का उत्सर्जन होता है? तो 1 A और 1 B किरण। अगला एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए मानव के उद्भव एवं विकास संबंधी विषय का। अगला हमारा एक आंग स्टाम मात्रक किसके नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है? तो 1 A = 0.1 nm। अगला है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है? तो याद रखिए वेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अगला हमारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने। अगला है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो याद रखिए बल के।
अगला विद्युत विच्छेदन में किस पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? याद रखिए 96,500 कूलाम। अगला है, यदि बी कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिए परमाणु क्रमांक एक से बढ़ जाता है, परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। अगला है, हमारा अस्थियों एवं कंगाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है, तो याद रखिए ऑस्टियोलॉजी। अगला है, बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? कोलोन। अगला है, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? रेनिन। अगला है, यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो याद रखिए अमोनिया को यूरिया में बदलकर। अगला है, स्मरण शक्ति एक चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम। अगला है, खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवर्तित रहेगा। अगला है, बल संवेग आवेग कैसी राशियां हैं? तो याद रखिए सदिश राशियां। अगला है, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिए मोसले ने। अगला है, हमारा आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो याद रखिए 18। अगला है, किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्मा धारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो याद रखिए बराबर होते हैं। अगला है, हमारा आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो याद रखिए आयरिस द्वारा। अगला है, कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिए आर्थ्रोपोडा का। अगला है, कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के। अगला है, हमारा पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो याद रखिए फॉस्फोरस। अगला है, प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो याद रखिए लीली एसी से। अगला है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो याद रखिए MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सोनार का। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो याद रखिए कोशिका वीति। अगला है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो याद रखिए वसा फैट के। अगला है, हमारा सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो याद रखिए थायो एल्कोहल मार्केटन। हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की बात, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। वर्णांधता किस रंगों के लिए होती है? तो याद रखिए लाल और हरे रंग के लिए, कलर ब्लाइंडनेस। अगला है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो याद रखिए इंसुलिन। अगला है, हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिए कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस। अगला है, हमारा कोणीय संवेग का मात्रक है? तो याद रखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1। अगला है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो याद रखिए अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल घूर्ण ना लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत रहता है। अगला है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो याद रखिए बल। अगला है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? तो याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है, लेजर का अर्थ है? तो याद रखिए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला है, होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? तो याद रखिए त्रिविमीय। अगला है, आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो याद रखिए दोनों में 8-8 तत्व। अगला है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग 0 पेथेलीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो याद रखिए नेत्रों से। अगला है, हमारा रेबीज की बीमारी अन्य किसका नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए हाइड्रोफोबिया। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए स्कर्वी। अगला है, श्यानता SI का मात्रक है? तो याद रखिए
प्रोवाइज। अगला हमारा वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो याद रखिए काला। अगला हमारा जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी, तो याद रखिए न्यूट्रॉन की। अगला हमारा परमाणु में प्रोटीन कहाँ स्थित होते हैं, तो याद रखिए नाभिक के भीतर। अगला हमारा पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिए क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला हमारा जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो याद रखिए अवतल लेंस की भांति। अगला है कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है, तो याद रखिए क्यूपरस लवण। अगला है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो याद रखिए ट्रिप्सिन। अगला है किस रंग के विकास में पौधों में विकास संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तो याद रखिए लाल रंग के विकास में। अगला है मॉर्फिन पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, तो याद रखिए पुष्पकली या केफर सेवन से। अगला है किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना वन नाम दिया गया, तो याद रखिए मैट सेट को। अगला है विकास तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिए विकास के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला है एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है, तो याद रखिए प्रतिरक्षा तंत्र। अगला है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो याद रखिए रॉबर्ट हुक ने। अगला है हमारा सिरका उद्योग में कौन जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखिए एसीटोबैक्टर एसीटी। अगला है हमारा रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया, तो याद रखिए वर्जिलियस ने। अगला हमारा आवेग बराबर होता है, तो याद रखिए फल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर। अगला हमारा हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिए प्रेरणा गुणांक। अगला हमारा किंतिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो याद रखिए सौर ऊर्जा। अगला हमारा वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है, तथा जो सड़े अंडों जैसी गंध देती है, तो याद रखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अगला हमारा कैलामिन किस तत्व का प्रमुख गैस है, तो जिंक का। अगला हमारा लोहे का जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण, तो याद रखिए ऑक्सीकरण। अगला है RH फैक्टर की खोज की है लैंड स्टीनर वीनर ने। अगला है अंडे का बाह्य खोल प्रमुखता किसका बना होता है, तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है हमारा तमाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड होता है, तो निकोटीन। अगला है कौन सा विटामिन घाव भरने के में सहायक होता है, तो विटामिन सी। अगला हमारा ओरल रिहाइड्रेशन विलेन को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, तो याद रखिए दस्त में। अगला है यदि कोई वस्तु आपतित विकास के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी, तो याद रखिए काली विलेय। अगला हमारा सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो याद रखिए 8 सेकंड। अगला हमारा सेक्सटेंट का उपयोग किस माप करने में किया जाता है, तो याद रखिए 2 पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप के लिए। अगला हमारा प्रेशर कुकर में खाना जल्द क्यों पक जाता है, तो याद रखिए अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाने से। अगला हमारा रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायक करने वाले वायुमंडलीय पद कौन सी है, तो याद रखें आइनोस्फीयर। अगला है हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, तो याद रखें पेरिकार्डियम। अगला है धारा घनत्व कैसी राशि है, तो अदिश या सदिश, तो याद रखें अदिश है, धारा घनत्व सदिश राशि है। अगला है यदि 40 वाट 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो किसी बल्ब का तंतु अधिक मोटा होता है, तो 100 वाट के बल्ब का। अगला है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखिए रेटिना के सामने। अगला हमारा रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है अपचयन। अगला है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो याद रखिए हाइड्रोजन का। अगला हमारा मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु के मांग अथवा परमाणु भार पर आधारित होता है, तो याद रखिए परमाणु भार पर। अगला हमारा अनुवांशिकी के जनक मेंडल ने अपने प्रयोगी के लिए किस अन्न को चुना, तो याद रखिए मटर को। अगला है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो याद रखिए सोडियम सिलिकेट। अगला हमारा दर्द दूर करने वाली दवाओं क्या कहलाती हैं, तो याद रखिए एनाल्जेसिक।
अगला कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है, तो याद रखिए अल्फा सेंचुरी। अगला है प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो याद रखिए अमीनो अम्लों से। अगला हमारा सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं, तो याद रखिए क्षमता। अगला है जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण का कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो याद रखिए पृष्ठ तनाव के कारण। अगला हमारा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साथ धारण क्या बोलते हैं, तो याद रखिए हरा कशिश। अगला है आंख में आयरिस क्या क्या काम करता है, तो याद रखिए आंख में प्रवेश करने वाले फिकास की मात्रा का नियंत्रण। अगला हमारा यदि माता का रक्त ए तथा पिता का बी तो संतान कौन सा समूह का हो सकता है, तो ए बी ए ए बी और ओ चारों। अगला हमारा किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबे वन मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं, तो याद रखिए एक्स वाई वाई सिंड्रोम। अगला हमारा शरीर के द्रव में जल नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ओसोमो रेगुलेशन। अगला है भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए क्वासीरकर। अगला है पर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु है, तो याद रखिए मैग्नीशियम। अगला है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, तो याद रखिए रॉबर्ट नोएस तथा गार्डन नूर 1971 में। अगला हमारा सिग्नल आवृत्ति के बाद तरंगों पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो माडुलन। अगला हमारा बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतलक जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला है जब एक कुलाड़ी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम, तो इसका आंसर है वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला है हमारा जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है एरोसोल। अगला हमारा एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मोह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है, प्रक्षेप की स्थिति है तो दक्षिण गोलार्ध में। अगला हमारा यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णता अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी, काली। अगली है अगला हमारा यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा, काला। अगला हमारा किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो याद रखिए प्रकीर्णन की घटना। अगला हमारा ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है, तो प्रतिरोध का। अगला है श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुपात के समय प्रतिबाधा कितनी होती है, तो याद रखिए परिपथ के प्रतिरोध के बराबर। अगला है भारी जल का आडुभार कितना है, तो 20। अगला है डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखिए ईंधन के संपीड़न से। अगला है दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिखाई दिया जाता है, तो याद रखिए हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। अगला नाभिकीय सल्लेन पर आधारित बम है हाइड्रोजन बम। अगला है वैक्टोरिया बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक लियू वैन हॉक किस देश के थे, तो हॉलैंड के। यहाँ या ये भी याद रखिए बैक्टीरिया की खोज की थी लियू वैन हॉक ने। अगला आरटीओ स्क्लेरोसिसर रोग क्या है, तो याद रखिए धमनी कठिन धमनियों का कठोर हो जाना। अगला नेफ्रोलॉजी का संबंध है, तो किडनी से। अगला है कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा है, तो याद रखिए फोटोन। अगला है किस तेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का व्यवहार होता है, तो याद रखिए एम्पियर घंटा। अगला है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। अगला है शरीर में सबसे छोटी स्टेप्स कहाँ स्थित होती है, कान में। अगला है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एडिनल। अगला है तो मलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण। अगला है मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है 0.7 मिमी मिलीमीटर। अगला है हमारा
रक्त लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है तो फॉलिक अम्ल। अगला है कांच सीमेंट क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है तो सिलिकॉन। अगला है सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है तो याद रखिए ट्राई कैनोसिस। अगला है हमारा साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। अगला है हमारा डीएनए में चार प्रकार के न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एडिनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। अगला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है तो याद रखिए कॉर्पस लूटियम द्वारा। अगला है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है तो याद रखिए अपकेंद्रण सिद्धांत पर। अगला है प्रोजिटॉन की खोज की है तो याद रखिए कार्ल डेविड एंडरसन द्वारा। अगला है हमारा मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है तो याद रखिए रासायनिक परिवर्तन। अगला है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है तो याद रखिए गैल्वे नोमीटर का। अगला है सीमेंट एक बहु उपयोगी पदार्थ है इमारतें पुल सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है यह होता है तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सेलिकेट का मिश्रण। अगला है क्लोरोफार्म का सर्वप्रथम खोज 1831 में लेविग ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है इसका रासायनिक नाम है तो याद रखिए ट्राई क्लोरोमेथेन CaCl3। अगला है लाल चींटियों शहद की मक्खियों वर्रों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाले एसिड जिसके कारण काटने पर खुजली या तथा दर्द होता है क्या कहलाता है फॉर्मिक एसिड HCOOH। अगला है मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है इस स्याही को में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट। अगला है स्वीडन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बन गया जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे हैं तो याद रखिए 14वां। अगला है अंटार्कटिक में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया तो 1984 में। अगला हमारा किन जीवाणुओं को रसायनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है तो याद रखिए नीले हरे शैवाल को। अगला है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है तो याद रखिए वाटसन एवं किक की। अगला है धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है ATS एंटीटॉक्सिन सीरम। अगला है नाभिकीय विकर्ण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है तो याद रखिए अस्थि मज्जा। अगला है बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है चुंबकीय प्रभाव। कौन सा चुंबकीय प्रभाव। अगला है प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि उसके उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है यह किस अम्ल से बना होता है तो याद रखिए अमीनो अम्ल। अगला है ऑर्गन नियोन कैप्टोन रीनान और रेडियो रेडान किस प्रकार की गैसें हैं तो याद रखिए निष्क्रिय गैसें। अगला है दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे याद रखिए 5। अगला है भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है तो याद रखिए नांगल बड़ौदा हजीरा कोटा मानुगुरु तलचर थाल तूती कोरन। अगला है साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर से मिली मीटर से प्रति सेकंड होता है परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है पराध्वनिक तरंग सुपरसोनिक वेव। अगला है वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है तो इसमें मापने की इकाई क्या है तो याद रखिए डेसिमल। अगला है यदि किसी व्यक्ति में एडिनलया अधिवेग के कार्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है इसका प्रमुख कारण फूत के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है इसलिए एडिनल ग्रंथियों के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है इसका नाम है कोलंबिया। अगला है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनधिकृत
अभिगमन से। अगला है कंप्यूटर में आईसी चिप का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को। अगला है स्पाइडिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है, तो याद रखिए मेरुदंड को। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड रंगीन मीठी गंध वाली गैस, इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए कहलाती है हास्य गैस। अगला है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधित तो बनाया जाता है, तो याद रखिए थायो एल्कोहल। मार कैप्टन। अगला है ताजा मूत्र फ्रेश यूरिन में कौन कोई गंध नहीं होता, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है, कारण है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। अगला है खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो याद रखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगला है उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या है, तो अमोनिया। अगला है कंप्यूटर शब्द में सी डी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, याद रखिए कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया आस्मो रेगुलेशन कहलाती है, इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है, वृक्क किडनी। अगला है शीतल पेय अचार एवं मुरब्बे के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। अगला है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन किस समय स्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का। अगला है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम किस विज्ञान के क्षेत्र में से संबंध में संबंध है, तो परमाणु विज्ञान। अगला है आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया, शून्य वर्ग में। अगला है किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रयास सैक्रीन का प्रयोग करता है, तो याद रखिए मधुमेह। अगला हमारा विद्युत मस्तिष्क लेख का प्रयोग किसके कार का पता लगाने के लिए किया जाता है, मस्तिष्क। अगला हमारा खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यह घटना कहलाती है भूमि अपरदन। अगला हमारा द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधों का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है, प्रथम भाग प्रजातीय नाम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है, इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे, तो याद रखिए कैरोलस लीनियस। अगला हमारा जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के साथ संगठक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर सात रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए वर्णपट या स्पेक्ट्रम। अगला हमारा स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा पर मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है, याद रखिए चार्ल्स का नियम। चलिए तो हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें उनके आंसर। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अगला है रक्त कोष में मनुष्य रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखता है रखा जाता है, तो याद रखिए सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ। अगला है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए सोनार का। अगला है घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा होती है, तो याद रखिए स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला हमारा वॉरलॉक पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिए कृषि विज्ञान। अगला है कौन सी गैस का आवरण सूक्ष्म हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, तो याद रखिए ओजोन। अगला है आयरिस का क्या काम होता है, तो याद रखिए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तो याद रखिए अमीटर से। अगला है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है, तो याद रखिए व्हाट्सअप वाटसन और किक्की। अगला है मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट का। अगला है हमारा किस जीवाणु को रसायन साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है,
याद रखिए नीले हरे शैवाल को। अगला हमारा, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो याद रखिए फॉलिक अम्ल। अगला है कांच सीमेंट क्वार्ट्ज का उपनिष्ठ तत्व है? तो याद रखिए सिलिकॉन। अगला है हमारा फौजी टोन किसका प्रतिकरण है? तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन का। अगला है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। अगला है टेट्रा एथाइलेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसकी एंटी नाकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अगला है शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? तो याद रखिए ऑक्सीजन के अक्षरण से के कारण। अगला है एक AMU द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो याद रखिए 931 MeV ऊर्जा। अगला है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। अगला है परम शून्य ताप पर अणु गति का क्या होता है? तो याद रखिए समाप्त हो जाती है। अगला है कोणीय त्वरण का SI मात्रक होता है? तो याद रखिए रेडियम प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिए वस्तु का भार घटेगा। अगला है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिए संख्या बढ़ जाती है। अगला है हमारे बच्चों में ऑस्टियो मलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिए विटामिन डी की कमी के कारण। अगला है साबुन है तो याद रखिए वसा अम्लों के सोडियम लवण। अगला है मैथाइल एमीन का सूत्र है तो याद रखिए CH3NH2। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिए 60 से 70%। अगला है हमारा गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक सहयोग के नियम का क्या नाम है? तो याद रखिए गिल्लू साक का नियम। अगला है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है तो याद रखिए फाजिस्टॉन। अगला है चुम्बकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है हमारा फाई मैसोन की खोज 1935 में किसने की? तो याद रखिए युकावा ने। अगला हमारा ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए जिंक सिलिकेट। अगला हमारा लोहे का क्यूरी ताप होता है तो याद रखिए 770 डिग्री सेल्सियस। अगला हमारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है तो याद रखिए एक्यूमुलेटर। अगला हमारा RNA में थायमिन के स्थान पर क्या रहता है? तो याद रखिए यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है हमारा एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का। अगला है निकोटिनामाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो याद रखिए विटामिन बी का। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइफाइड नामक रोग होता है तो याद रखिए साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। अगला हमारा मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है 8। अगला है जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो याद रखिए सभी वस्तुओं का। अगला है हमारा संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो याद रखिए आरोपित बल के। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो याद रखिए 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। अगला है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो याद रखिए अनंत। अगला हमारा इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपयोग में होता है? तो याद रखिए मधुमेह या डायबिटीज। अगला हमारा प्राकृतिक चयन या चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिए डार्विन ने। अगला हमारा सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में। अगला हमारा वीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है? तो याद रखिए लखनऊ में। अगला हमारा ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है तो याद रखिए जर्मेनियम। अगला हमारा मेनिंगो मिनिंगो
काकसीमिया बीमारी है तो याद रखिए मस्तिष्क ज्वार। अगला है मक्के का बोना रोग होता है तो याद रखिए स्पाई रोफ्लाजा द्वारा। अगला है विकास के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है तो याद रखिए लाल। अगला है हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी हो जाती है तो याद रखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान। अगला है हमारे अधूरे फिज्जोलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है तो याद रखिए त्वचा में। अगला है हमारा घूमती हुई चकती के गेंद के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है, पत्थर को फर्दी की ओर ले जाने पर उसमें घूमने की गति कम होगी। अगला हमारा ऐसी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन श्रावण करती है तो याद रखे थायराइड ग्रंथि। अगला हमारा मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होती है तो याद रखिए सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगला हमारा राइनाइटिस नामक रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे तो याद रखिए नाक। अगला है कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे समय तक आद्य बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है तो याद रखिए कंक्रीट क्योरिंग करना। अगला है यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या प्रभाव क्रिया होगी तो याद रखिए व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। अगला है सेल्सियम पैमाने के किस मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो याद रखिए दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर के का मान प्राप्त होगा। जैसे 72 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ने पर 72 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 तो मान प्राप्त के का मान निकल आएगा। अगला है हमारा घन अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी तो याद रखिए ध्वनि की चाल कम होगी। अगला है हमारा अग्निशमक के रूप में उपयोग की जाने वाली कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है तो याद रखिए CCl4। अगला है प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग की जाने वाली पाइरेक्स कांच में संगठन है तो याद रखिए सोडियम सिलिकेट बेरियम सिलिकेट का। अगला है हमारा कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था तो याद रखिए स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 में। स्लाइडेन थे वनस्पति शास्त्री थे और स्वान थे ये जंतु वैज्ञानिक थे। अगला है विषाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे तो याद रखिए इवानोव्स्की रूस के इस वैज्ञानिक ने वनस्पति शास्त्री थे ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। अगला है रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है तो याद रखिए एंटीजन। अगला है पीलिया रोग किस लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है तो याद रखिए लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोमरेजी। अगले सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है तो याद रखिए ट्रिपोनोसोमा पेनोसोमा नामक प्रोटोजुगा। यह प्रोटोजुगा सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। अगला हमारा न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता केमरलिंग ओन्स ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी तो याद रखिए अति चालकता की। अगला हमारा पिकास संश्लेषण में फर्ड हरित की क्या भूमिका है तो याद रखिए प्रकाश का अवशोषण। अगला हमारा हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं तो याद रखिए अपेक्षित आद्रता। अगला हमारा गुणसूत्र क्या है तो याद रखिए न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली छाए के समान रचना जो अनुवांशिक कूट को ले जाती है। अगला हमारा टीबिया नामक की हड्डी किस अंग में पाई जाती है तो याद रखिए टांगों में।
अगला हमारा, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो याद रखिए 105 पास्कल के, पास्कल के। अगला हमारा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो याद रखिए छाल से। अगला है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है? तो याद रखिए बैंगनी रंग का। अगला है, ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अगला हमारा, ओस्टोजेन क्या है? तो याद रखिए हार्मोन। अगला हमारा, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो याद रखिए 65। अगला है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है तो आंखों की है। अगला हमारा, द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है? तो याद रखिए एस्ट्रोजन जन। अगला है, सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका विकिरण अधिक होता है? तो याद रखिए नीला। अगला है, लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है? तो याद रखिए काला। अगला है, विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल एवं की दिशा निर्धारित की जाती है? तो याद रखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। अगला है, जब कार्बन अपर्याप्त तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उससे जो गैस बनती है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला हमारा, पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक कर चलता है क्योंकि स्थायित्व तो बढ़ाने के लिए। अगला हमारा, HIV पॉजिटिव क्या है? तो याद रखिए एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण। अगला है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो याद रखिए पास्कल का नियम। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है? तो याद रखिए अस्थि मज्जा बोन मैरो। अगला है, महो किसका मात्रक है? तो याद रखिए चालकता का। अगला है हमारा, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए वेंटिक एंड वेस्ट ने। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति, रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो याद रखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा। अगला हमारा, फिजिम द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो याद रखिए बैगनी रंग का। अगला है, कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिए एसिटिलीन। अगला हमारा, मेंडली किस कारण प्रसिद्ध है? तो याद रखिए तथ्यों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण। अगला है, धान का वैज्ञानिक नाम है बताइए? तो याद है यह ओराइचा सेटाइवा। अगला है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो याद रखिए रेनिन। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो याद रखिए मेडुला ओब्लॉन्गेटा ओब्लॉन्गेटा। अगला है, टिकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो याद रखिए आंख को। अगला है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला है हमारा, आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयुक्त मिलाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्टिक फाइबर कांच। अगला है, 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। अगला हमारा, वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए? तो याद रखिए 60 से 65% के बीच। अगला है, 3D फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए पोलेराइड ग्लास युक्त। अगला है, भारी जल का क्वथनांक होता है? तो याद रखिए 101.42 डिग्री सेल्सियस। अगला है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो याद रखिए अस्थमा के रोगी के लिए।
अगला है विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो याद रखिए CaO कोष्टक बंद Cl कोष्टक बंद 2। अगला है माइट्रोसेम विक्रम के पूर्ण होने के पश्चात कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो याद रखिए 2। अगला है श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, तो याद रखिए 38 अणु एटीपी। अगला है हमारा मादा एनोफिलीज मच्छर के अमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो याद रखिए रोनाल्ड रॉस ने। अगला है माइक्रोकोकरा पायोजींस नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है, याद रखिए फोड़ा फुंसी। अगला है एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, तो याद रखिए वायु की गति। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो एंडरसन ने 1932 में। अगला है थायमीन कौन सा विटामिन है, तो याद रखिए विटामिन B1। अगला है ऑक्जेमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, तो पौधों की वृद्धि। अगला है हमारा मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है, तो याद रखिए फॉर्मिक अम्ल के कारण। अगला है किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए एम्पियर घंटा। अगला है किस प्रकार के विकिरण के उत्सर्जन होने से तत्वांतरण हो सकता है, तो याद रखिए अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। अगला है हमारा बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो याद रखिए 8। अगला है किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है, तो याद रखिए कीमोथेरेपी। अगला है हमारा जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है, तो याद रखिए काला। अगला है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है भारी जल। अगला है भारत में तिथि वर्ष 28 फरवरी को वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है, तो सीवी रमन। अगला है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो याद रखिए आते हैं। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक एसिड के कारण। हम लोग जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान देख रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर देख रहे हैं ऑनलाइनर में। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए RNA के द्वारा। अगला है हमारा महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, तो याद रखिए सोडियम क्लोराइड। अगला है हमारा कपड़े धोने के साबुन क्या है, तो याद रखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। अगला है हमारा जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है, तो याद रखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला है हमारा बेरी बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, याद रखिए तंत्रिका तंत्र। अगला है हमारा मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत है, तो याद रखिए 65%। अगला रेडार का क्या प्रयोग है, तो याद रखिए रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करना। अगला एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला हमारा EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, मस्तिष्क के। अगला है रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, सोडियम नाइट्रेट बॉन्डेक्स
सब्सट्रेट रसायन के साथ। अगला है भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की विक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो याद रखिए एंजाइम। अगला है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादपक बनता है, यह लाइकेन। अगला है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो याद रखिए एमाइलेज। अगला है पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो याद रखिए सहसंयोजी बंध। अगला हमारा कैप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो याद रखिए माइटोकांड्रिया में। अगला है पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है, तो याद रखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला है तरंग दैर्ध्य का कौन सा प्रतीक है, तो याद रखिए एक। अगला है पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा, तो याद रखिए कैनविंडिस ने। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है, तो एन एम स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। अगला है विस्थापन किस वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं, यह किस प्रकार की राशि है, तो याद रखिए सदिश वेक्टर। अगला है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, तो याद रखिए जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। अगला है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है, तो याद रखिए आसंजक बल। अगला है हमारा रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है, तो याद रखिए सिस्मोग्राफ। अगला है पॉलीथिन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप तार के ऊपर के आवरण पैकिंग थैलियां आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है, यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए एथिलीन। अगला है हमारा पानी का द्रव्यमान और हिमांक दोनों क्या है, तो याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक युवान उसकी ने की थी, उन्होंने तमाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग का पता लगाया, इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया, तो याद रखे लुई पाश्चर बीजरेक ने। अगला है रक्तवर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज भी कहते हैं, यह लिंग संबंधी रोग है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता, लाल व हरा। अगला ए रेटिनॉल दूध मक्खन अंडा जिगर मछली का तेल आदि में होता है, इसकी कमी से कॉर्निया व त्वचा कोशिकाओं में सल्की भवन रतौंधी आदि रोग हो जाती है, यह किसकी घुलनशीलता है, वसा में, तो याद रखिए यहाँ वसा में। अगला है मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट स्पंदित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है, तो याद रखिए 5 लीटर। अगला है मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है, तो याद रखिए बंदर। अगला है किस गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल तय की गई दूरी समय दिशा के अनुसार, यह किस प्रकार की राशि है, अदिश। अगला है हमारा शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है, औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप व अपेक्षित आर्द्रता में क्या है, तो याद रखिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य व 60 से 63% के मध्य अपेक्षित आर्द्रता। अगला है द्रव्य का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले वाह दाब पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर, जो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है।
अगला है रासायनिक परमाणु किस परमाणु संख्या समान होती है परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण है। इनको द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। अगला है धातु में विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातु में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक दो तत्व कौन से हैं तो याद रखिए सिल्वर तथा कॉपर। अगला है पित्तीजीवी ऐसे रसो चिकित्सीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवों से उपापचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों का नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक पित्तीजीवी की खोज की गई तो याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अगला है हमारा किसी विद्युत अपघटक से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की क्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला हमारा धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है। कोशिकाएं धमनी को सिरा से जोड़ती है। इसका कार्य है तो याद रखिए खाद्य पदार्थों और गैसों तथा अवशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान करना। अगला है हमारा मैकुलाज 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन ने 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर के वाहक होने की पुष्टि की तो याद रखिए रोनाल्ड रॉस 1887 में। अगला हमारा जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें कौन सा रोग होता है तो याद रखिए एडिसन रोग। अगला हमारा तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है तो याद रखिए उपग्रह के परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर। अगला हमारा पृथ्वी इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं यानी दाब बराबर बल पृथ्वी क्षेत्रफल। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है तो याद रखें न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल। अगला है जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती व बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं तो याद रखिए डॉपलर प्रभाव। अगला है विभिन्न दो भिन्न तत्वों के द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती है ऐसे तत्व को क्या कहते हैं तो याद रखिए संभारिक। अगला है हमारा दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की ओर और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती है को कहते हैं तो याद रखिए संतृप्त विलयन। अगला हमारा न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया तो जेम्स चैडविक ने। अगला है सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं उन एंजाइम को क्या कहते हैं जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक प्रोटीन घटक भी होता है तो याद रखिए सह एंजाइम। अगला है विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी है जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है ठीक है। अगला है पीलिया तथा हेपेटाइटिस से यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण में होता है तो याद रखे हेपेटाइटिस विषाणु। तो कौन सा है हेपेटाइटिस विषाणु।
अगला है मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो स्टार्च का पाचन करे उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, टाइलीन। अगला है फास्ट बीनेट टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। अगला है ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? तो योहानेस केपलर ने। अगला है 1 किलो बाइट्स बराबर होता है, तो याद रखिए 1024 बाइट्स। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो याद रखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला है हमारा थैलीसीमिया के रोग किस रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती? तो हीमोग्लोबिन। अगला है हमारा गैस बिल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिश्रण का। अगला है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो याद रखिए वेक्टर। अगला है दही खट्टा किसके कारण होता है? तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो याद रखिए विटामिन सी की कमी के कारण। अगला है हमारा हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो याद रखिए प्रत्यास्थता की सीमा तक। अगला है हमारा फास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो याद रखिए 105 फास्कल। अगला है सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है? तो याद रखिए फ्लोरीन। अगला है हमारा शनिवार किसका प्रमुख ग्रह? तो याद रखिए पारे का। अगला है किंतिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर रहती है? तो याद रखिए निर्भर नहीं करती। अगला है फेरित धारा की किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो याद रखिए लेंज के नियम। अगला है हमारा नामकरण की द्वि नामी पद्धति में किस जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है? तो ये दो नाम है जीनस और एवं स्पीसीज स्पीसीज। अगले हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वायरक में परिवर्तित हो जाने। अगला है वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए बेंजोइक एसिड। अगला है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक सैलिड एसिड। अगला है हमारा विरंजक चूर किसका ऑक्सी क्लोराइड है? तो याद रखिए कैल्शियम का। अगला है हमारा कार्नोटाइट किसका है? तो याद रखिए यूरेनियम का। अगला है विभांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो याद रखिए विभांतर अदिश राशि है। अगला है हमारा मैंगलिन मैंगनिन अथवा कास्टेटन को परमाणविक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम हो जाता है। अगला है प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग में क्या संबंध है? तो याद रखिए E/c। अगला है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिए चार्ल्स बेबेज को। अगला है मानव शरीर में मास्टर अंतरास्रावी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी। अगला है पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले किंतिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है? तो याद रखिए 83.7 मिनट। अगला है जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो याद रखिए पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो याद रखिए वृत्त के केंद्र में पर। अगला है फैथोमीटर से मापते हैं? तो याद रखिए समुद्र की गहराई। अगला है हमारा ट्राइटियम का किसका समस्थानिक है? तो याद रखिए एल्यूमिनियम का। अगला है सेफायर तथा लेपिस लेलुजी किसके अयस्क हैं? तो याद रखिए हाइड्रोजन के। अगला है मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया था? तो याद रखिए कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला है हमारा किस रुधिर वर्ग में कौन कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो याद रखिए रुधिर वर्ग ओ में। अगला है हमारा कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो याद रखिए कोबाल्ट ऑक्साइड से। अगला है हमारा मैसोन पाए जाते हैं तो अंतरिक्ष किरणों में।
अगला हम क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है, तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल। अगला है उद्योगों में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए एथिलीन के बहुलन से। अगला है डेंगू ज्वार का कारण है, तो याद रखिए वायरस। अगला है थैलासीमिया एक अनुवांशिक रोग है, किसको प्रभावित करता है, तो याद रखिए रुधिर को। अगला है हमारा एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए एसिटिक सैलिक एसिड। अगला है हमारा मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो याद रखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला है पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो याद रखिए ऑक्टेन नंबर से। अगला है हमारा आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, तो याद रखिए वीटा कण के उत्सर्जन से। अगला है हमारा डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है, तो याद रखिए डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस। अगला है खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायक करता है, याद रखिए प्लेटलेट्स। अगला है टीविया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है, टांग में। अगला है थैलेसीमिया पेरिस्टिस पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाले विषाणु है, फिले। अगला है हमारा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कारक जुड़ा है, तो याद रखिए परमाणु बम का। अगला है संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है, तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो याद रखिए प्रकाश के विकिरण के कारण। अगला है किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिए ग्रेगर जोहान मेंडल। अगला है बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए चुंबकीय प्रभाव। अगला है इथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है, यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है बेसिलस एंथेसिज। अगला है पीलिया रोग शरीर के अंग में किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है, तो याद रखिए लीवर। अगला है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है, द्रव्यमान के। अगला है गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटी नॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो याद रखिए टेट्राथाइल सीसा। अगला है परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है, तो विकास संश्लेषण क्रिया को बंद करके। चलिए तो हम विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखिए ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की, तो याद रखिए कार्ल सागान ने। अगला है कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो याद रखिए एंथ्राकोसिस। अगला है समुद्री जल में धात्विक तथा अधात्विक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं, तो याद रखिए सोडियम आयोडीन। अगला है एक्स किरणों वाई किरणों तथा विकास किरणों के वेग होते हैं, तो याद रखिए बराबर। अगला है टिटनस का रोग किसके कारण होता है, तो याद रखिए जीवाणु। अगला है रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो याद रखिए विटामिन के। अगला है भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ है, तो याद रखिए कलपक्कम में। अगला है पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है, तो याद रखिए टेलीस्कोप से। अगला है हमारा रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहाँ जाता है, तो याद रखिए कुंचन दाब। अगला है प्लास्टिक और पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट।
अगला हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक हैं, तो याद रखिए लुई पाश्चर। अगला है फिलांक नेतांक की बीमारी वही है जो होती है, तो याद रखिए कौड़ीय संवेग की। अगला है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, याद रखिए तना से। अगला है पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है, तो क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन अनुकूल है, तो याद रखिए मंगल पर। अगला है कौन सा ग्रह ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो याद रखिए बुध है। अगला है फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में कौन सा रासायनिक इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिए सोडियम थायोसल्फेट। अगला है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो याद रखिए रॉकेट में। अगला है हमारा हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो याद रखिए लोहे का। अगला है भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा पर रूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखिए ग्रेफाइट। अगला है ओजोन एक त्रिपरमाणविक अणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनती है, तो याद रखिए उच्च ऊर्जा परावैगनी विकिरण के द्वारा। अगला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को कहाँ की गई थी, जिसके आप देश भर में 10 सर्जिकल सर्किल कार्यालय हैं, तो याद रखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगला है प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो याद रखिए आइंस्टीन ने। अगला हमारा ऑस्टियोमेलिसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो याद रखिए कंगाल तंत्र। अगला हमारा आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब में बनता है, तो याद रखिए रेटिना पर। अगला है हमारा कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो याद रखिए विद्युत मोटर। अगला हमारा पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो याद रखिए सहसंयोजी बंध। अगला है प्रश्न हमारा केप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो याद रखिए माइटोकांड्रिया में। अगला है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। अगला है भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज किस वर्ष खोले गए, तो याद रखिए 1905 से 1907 के वर्ष। तो ये थे हमारे सावर पुणे कानपुर नागपुर कोयम्बटूर लायलपुर में जो अब पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है हमारा देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कौन सा खोला गया, तो याद रखिए पंतनगर उत्तराखंड। अगला है वर्तमान में देश के कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो याद रखिए 541 KBKS। अगला है वर्ष 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है, तो याद रखिए पांडुचेरी। अगला है हमारा सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल जा रही है, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा 0। अगला एक भारी रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है, जल में इसका भार होता है 0। अगला है ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। अगला है फिलाजमा प्रोटीन का क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, तो याद रखिए सर जेम्स हैरिसना। अगला है फिलाजमा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो याद रखिए यकृत में। अगला है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है, तो होलोग्राफी। अगला है देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल की स्थापना की गई 1993 में। अगला है किस की स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिए रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में। अगला है जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है, गलकंड को रोग को।
अंगला मप्स नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? लार ग्रंथियां। अंगला विकास संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो याद रखिए CO2। अंगला कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3। अंगला कोशिका का सुसाइडल बैंग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अंगला पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिए टेस्टोस्टेरोन। अंगला कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया जाता है? तो याद रखिए यूरिया। अंगला शैल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिए चट्टानों के अध्ययन से। अंगला ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। अंगला इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अंगला हमारा रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थापना कब की गई? तो 16 जुलाई 1929 को। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। अंगला बल तथा संवेग परिवर्तन की दर दोनों की विमाएं हैं? तो याद रखिए MLT की पावर -2। अंगला पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम होता है? तो याद रखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अंगला द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? श्यानता के कारण। अंगला वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? याद रखिए 0.03। अंगला मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजी करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने अयोग्य बना देता है। अगला है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिसमें जिससे क्या उत्पन्न होता है? ओजोन। अगला है फेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा निर्माण का। अगला है क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? तो याद रखिए फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की। अगला नार्म स्थित हैदराबाद में नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का। ठीक है अगला है सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। अगला रक्त समूह की खोज की थी तो याद रखिए कार्ल लैंड स्टीनर में। अगला रक्त समूह ओ को सामान्य दानकर्ता कहा जाता है तो किस रक्त समूह को सामान्यतः प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो याद रखिए रक्त समूह AB को। अगला ऑर्टेरियो स्क्लेरोसिस ह्रास रोग का कारण है धमनियों का कठोर हो जाना। अगला हमारा स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है वो याद रखिए एमाइलेज। अगला BCG का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? तो याद रखिए क्षय रोग के उपचार के लिए। अगला है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषों का। अगला है हमारा नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंगा चित्रित है? तो याद रखिए राजा रवि वर्मा। अगला है एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो कवक से। अगला है नेत्रदान में दाता की कौन आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो याद रखिए कॉर्निया को। अगला है किस विटामिन की कमी से जेरोपेथेलमिया हो जाता है? तो याद रखिए विटामिन ए की कमी के कारण। अगला है किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता? तो याद रखिए लोह एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण। अगला है किसी ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है? तो यार ये प्लूटो का अध्ययन करने के लिए। अगला है किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टोमेलिसिया रोग हो जाता है? तो याद रखिए कैल्शियम की कमी के कारण। अगला है गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो यह ऑक्सीटोसिन।
अंगला व्यक्तियों को सुनने की योग्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं? तो ये ऑडियोमीटर। अंगला नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव की स्थापना किस वर्ष हुई? 1984 में। अंगला किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? धान। अंगला धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो याद रखिए जिंक की कमी। अंगला मूंगफली में पॉली फली रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिए कैल्शियम की कमी से। अंगला विकास संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? जल से। अंगला सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिए कोपरनिकस ने। अंगला यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिए वह मंद पड़ जाएगी। अंगला पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है? तो याद रखिए MT^-2। अंगला ऑप्टिकल तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला हमारा पीतल बनता है? तो याद रखिए जस्ता और तांबा से। अगला है बेकिंग सोडा का सूत्र है? तो NaHCO3। अगला है औषधीय पौधों में सफेद मूसली का महत्व प्रयोग नाड़ी विकार दुर्बलता दूर करने वाले सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो याद रखिए कैलोरोफाइटम बोरीविलियनम। अगला है काल मेघ जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है का उपचार का उपयोग ज्वर उपचार पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने में प्रमुखता से होता है, इस यह किस परिवार का पौधा है? तो याद रखिए एक कैंथसी। अगला है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रासायनिक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो याद रखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगला है धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायक करती हैं? तो सभी किरणें। अगला है सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। अगला है कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है? तो याद रखिए CPU। अगला है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो वह व्यक्ति किस नेत्र की नेत्र रोग से पीड़ित है? तो याद रखिए मायोपिया। अगला है समुद्री घासें किस कुल में आती हैं? तो याद रखिए फेओफाइसी। अगला है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है? तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो एमाइलेज। अगला है मनुष्य में गुणसूत्र की दुगुणित संख्या है 46। अगला है उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो याद रखिए विषाणु द्वारा। अगला स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120/80। अगला किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो याद रखिए अग्नाशय की गड़बड़ी से। अगला फूसा को मोहित फूसा फूसाभिषेक फूसा मोहित फूसा अभिषेक पूसा उर्मिल पूसा मनहर पूसा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्म है? तो गुलाब। अगला हमारा ज्योत्सना उर्मिल गुलाल शबनम एवं ओबेसी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्म है? तो याद रखिए ग्लेडियो प्लस। अगला एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? तो याद रखिए जोसेफ लिस्टर ने। अगला कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं एंटीमोलॉजी। अगला है शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है सुक्रोज का डेक्ट्रोज में। अगला है क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिए निम्न ताप और उसके अनुपयोगों का। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए कवक के द्वारा। अगला है केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। अगला है विटामिन 6 पाइरोडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिए एनामिया या रक्त चीरता। अगला हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है धन आयन। अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना।
अगला है हमारा सूत्र है ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या कहलाता है, तो याद रखिए आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अगला हमारा विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो याद रखिए सीसा तथा टिन का। अगला हमारा गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। अगला है किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, सर विलियम हेनरी वेग ने पुत्र विलियम लॉरेंस वेग के साथ 1915 में। अगला है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो याद रखिए अग्नाशय से। अगला है जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है उत्क्रम अभिनति में। अगला है अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः क्या होता है, प्रोटीन। अगला लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, टाइलिन। अगला है मानव शरीर में कौन उन पित्त पिंडों का निर्माण करती है जो पित्त रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है तो विकास ऊर्जा की वो विद्युत ऊर्जा में। अगला है कंप्यूटर की क्लॉड स्पीड मापी जाती है तो मेगा हर्ट्स तथा गीगा हर्ट्स में। अगला है औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम है, तो याद रखिए फॉली एंथस ट्यूबारोसम। अगला ICAR केंद्र कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, तो याद रखिए 558 KBKS। अगला हमारा पीत ज्वार किसके द्वारा संचारित किया जाता है, तो AEDs द्वारा। अगला है पेस्टुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है तो 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए। अगला है सीसा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना है, तो 0%। अगला है संवेग की विमा है MLT-1। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला है कैचुआ में हृदय की संख्याएं होती हैं 4। अगला है रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था, तो लुई पाश्चर ने। अगला है जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया, चेचक का। अगला है वेरी 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 की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिए विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण। अगला है पानी की अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है अधिकतम, तो याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है न्यूट्रॉन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, संवेग का। अगला है प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तत्व की ओर संकेत करता है, तो याद रखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी ना समाप्त होने की। अगला है डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या का। अगला है लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, हार्मिक अम्ल। रोल्ड गोल्ड में होता है, तो याद रखिए 90% तांबा और 10% एल्यूमिनियम। फिर अपना डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनती है, तो याद रखिए क्लोरीन। अगला है चीली साल्ट पीटर किसका इश्क है, तो याद रखिए सोडियम का। अगला है फिलासफर पूल किस यौगिक को कहते हैं, तो याद रखें जिंक ऑक्साइड। अगला है अमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध से कम है होता है। अगला है आंसू गैस का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए क्लोरो एसिटोफेनोन। अगला है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो याद रखिए कार्बन 12। एलपीजी गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो याद रखिए एथाइल मार्केप्टेन। अगला है कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है, पेशियों में लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण। अगला है मनुष्य में टिटनेस का कारण है, तो जीवाणु। अगला है कौन ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी, तो याद रखिए मंगल ग्रह है। गार्डन पी हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित है, तो याद रखिए ग्रेगर मेंडल। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम है, शुष्क बर्फ।
अगला, किसी विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो याद रखिए विटामिन डी को। अगला, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय रहता है, केंचुआ के प्लाज्मा में। अगला, एलोए में जंग रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चस्ता का। अगला, क्रेक सिल्वर कहीं जाने वाली धातु है, पारा। अगला, आतिशबाजी के जलने से हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिए बेरियम के कारण। अगला, हमारा नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में क्या क्या करने के लिए किया जाता है, मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए। अगला, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है, विटामिन ए। बारूद किस किस का मिश्रण होता है, तो याद रखिए नाइट्रो सल्फर चारकोल की। अगला, मच्छर वाहित प्रमुख रोग है, तो याद रखिए डेंगू ज्वार मलेरिया फाइलेरियासिस। अगला, सभी सूक्ष्म जीवियों में सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधतापूर्ण है, तो याद रखिए बैक्टीरिया। अगला, किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि हो जाती है, तो याद रखिए विटामिन ए की हीनता से। अगला, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित है, पीयूष। अगला, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है, गहरा नीला। अगला, ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जाइमेज का। अगला, कैल्सिफ्रॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए विटामिन टू का, डी टू का, सॉरी विटामिन डी टू का। अगला, क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो यह टाइफाइड के उपचार के लिए। अगला, फिलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिए विटामिन बी फाइव की कमी से। अगला, पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम विक्षेपण वेग कितना है, तो याद रखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला, कौन अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल। अगला, फिटकरी गंदे जल पानी को किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो उपचयन द्वारा। अगला, चंद्रयान वन का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष से। अगला, शरीर में किसी की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है, कोलेस्ट्रॉल। अगला, चंद्रयान वन को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, PSLV C-11 से। अगला, आम की संकर प्रजाति H-39 जिसका गूदा लाल रंग का आकर्षक है, उच्च TSS अधिक कैरोटीनॉइड्स नियमित फलन स्वभाव एंथिक किनाज सहिष्णु और बौना पौधा स्वभाव के गुण रखने वाली नई संकर विकसित पेड़ा प्रजाति जो किन दो प्रजातियों क्रॉस है, तो याद रखिए आम्रपाली और एक्स वनराज, आम्रपाली इंटू वनराज। अगला, अरहर की GTH फर्स्ट प्रथम संकर किस्म गुजरात राज्य की पहचान ने थोक की गई है, आधारित है, तो CMS वेस्ट हाइब्रिड से। अगला, सरसों की CMS आधारित संकर प्रजाति अच्छे उपज वाली क्रांति किस्म से अधिक उपज देर वाई दशाएं हेतु NRCM भरतपुर द्वारा विकसित की गई, तो याद रखिए NRCHV506 मोस्टर्ड। अगला, सूरजमुखी की एक नई संकर किस्म रवि तथा एवं ग्रीष्म खेती हेतु देश के विभिन्न सरसों उत्पादक क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है, तो याद रखिए DRSH फर्स्ट सनफ्लावर। अगला, कुसुम की प्रथम CMS आधारित संकर प्रजाति देश के कुसुम उत्पादक क्षेत्रों के लिए नई विकसित की गई है, जो था रोधी माहू सहिष्णु 19% उच्च बीज उपज एवं 14% अधिक तेल उत्पादन में अधिक गुड़ों से भरपूर है, तो याद रखिए MRSA 521 सैफ्लोवर। अगला, सोयाबीन की नई विकसित प्रजाति पिताप सोया 2 ताम्स 98-21 महाराष्ट्र के विदर्भ में ये उत्तर पूर्वी दक्षिण क्षेत्र में। अगली नई विकसित प्रजाति है वसुंधरा GS99GG8GG16 GTG38 भी रिलीज की गई है, वे किस तिलहन फसलों की है, तो मूंगफली की।
अगला प्याज की निर्यात हेतु प्रजातियां माय मर्सिड्स कोगर लिंडा विस्टा जो सितंबर से फरवरी में बुआई योग्य रहती हैं किस रंग की हैं तो येलो ओनियन वेरिटीज वेराइटीज। अगला है तिबीर 1% WP इंसेक्टीसाइड एक्ट 1968 के तहत विकसित की गई हैं जो अंडी उकड़ा जड़ सड़क रोकने अरहन मिर्च तिली दलहन एवं लोबिया में प्रयोग किया जाता है वह है तो ये जीव कीटनाशी। अगला है हमारा खेती इंडियन फार्मिंग खेती फल फूल कृषि चयनिका तथा इंडियन हॉर्टिकल्चर पत्रिका नियमित प्रकाशित की जाती है ICAR नई दिल्ली द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। अगला है जल के विद्युत अवघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है हाइड्रोजन। अगला है नाइट्रोस गैस लेटमस की स्थिति कैसी होती है उदासीन। अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है कैडमियम की छड़ों का। अगला है एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोग्राम है 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी 106 होगी। अगला कृतकार शून्य कब होता है तो जब जल और विस्थापन परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं। अगला एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है 70 से 80 प्रति मिनट। अगला क्वासियोकर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण हो जाता है प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण। अगला है पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी तो याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला हरे पौधे में पोटेशियम किस रूप में होता है तो पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में। अगला है दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर बोना है जिसमें कतार पंक्ति अनुपात या लगाव दूरी ना हो कहीं कही जाती है तो याद रखिए मिश्रित सस्यन। अगला है दो या दो से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना जिसमें फसलों का पंक्ति अनुपात रखा जाए कहा जाता है सह फसली पद्धति। अगला है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना जिसमें विभिन्न पट्टियां काफी दूर पर या चौड़ी हो लेकिन फसलें काफी तंग हो और स्वतंत्र खेती की जाए और सस्यन दृष्टि से सह संबंध रखें ऐसी सस्यन पद्धति कही जाती है तो याद रखे पट्टीदार अंतरावर्ती सस्यन। अगला है किसी खड़ी फसल में कटाई से पूर्व फूल आने के बाद आगामी फसल का रोपण करना जो रिले रेस का उल्टा हो पहली फसल जमीन को दूसरी फसल हेतु छोड़ ही रही है वो कहा जाता है तो इसे कहते हैं रिले इंटरक्रॉपिंग। अगला है अंतर्वर्ती सस्यन पद्धति में आदर्श LER लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का या अंतर्राष्ट्रीय LER मान होना चाहिए ताकि वह पद्धति लाभ प्रद हो 1.4 अथवा इससे अधिक LER मान। अगला केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है तो शिमला हिमाचल प्रदेश। अगला है आलू के पौधे तनापत्ती के निकोसिस रोग जिसका प्रसार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश में अधिकांश देखा जाता है जिसका कारक है वायरस तो ये वायरस। अगला है आलू के ये सोलिनम वायरस 6। अगला आलू के तने एवं कंदों पर वार्टी वृद्धि से वार्ट रोग पैदा हो जाता है जिसका मुख्य कारक है सेंचिरिटियम एंडोबैक्टीरियम। अगला सरसों में क्लब रूट रोग का मुख्य कारण है प्लाज्मोडोफोरा ब्रायसिस वर्मीवास केंचुआ की धोवन जो वर्णीय छिटकाव एक तरल खाद के रूप में अधिकांशतः खेती में फसलों हेतु उपयोग की जाती है पादप हार्मोन पाए जाते हैं तो ऑक्सिम एंड सीटोकिनिन। अगला एक्वारेजिया आयतन से 1:3 का किस का मिश्रण होता है तो याद रखें साइंड नाइट्रिक एसिड और सांद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला ECG किस अंग की गतिविधियां प्रदर्शित करता है तो हृदय की। अगला एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखें एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। अगला मोमबत्ती बनाने के लिए उपयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है तो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगला लिटमस प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से। अगला प्रकृति में सबसे सशक्त बल है तो नाभिकीय बल। अगला अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है त्रिकास का वेग।
अगला है, किस उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहती है? अगला है कलर ब्लाइंडनेस या वार्डहन, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर सकता। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्रॉम्बे मुंबई में। अगला है आलू के कंद में हरापन अर्थात हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति में पैदा हो जाता है? यदि वे खेत में पौधे की जड़ों से बाहर मिट्टी से निकलते आए तो सोलेनिन तत्व के बाद। अगला है प्याज में पीले रंग की उपस्थिति किस कारण देखी जाती है? क्वेरसिटिन तत्व के कारण। अगला है चने की हरी पत्तियों में खटास का कारण होता है कैनिन मैलिक या ऑक्सिलिक एसिड की उपस्थिति के कारण। अगला है तिलहनों के तेल में पीला रंग किस उपस्थिति से होता है? तो कैरोटिनाइड। अगला है हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति क्या दर्शाती है? कुरकुमिन तत्व बन जाना। अगला है आंवले के फलों में कसैलापन स्वाद किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? टैनिन या एलोजिक या गैलिक या पॉलीफिनॉल। अगला है पपीतों के फलों में पीले रंग का कारण होता है? तो कैरिकाइजेंथिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण। अगला है बेल के फलों में कड़वाहट का कारण है? तो मार्मेलोसिन तत्व की उपस्थिति। अगला है करेला की फलों में कड़वाहट किस तत्व की उपस्थिति के कारण पैदा होता है? याद रखिए मेमोडिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। अगला है टमाटर के फलों का रंग लाल रंग किस तत्व की के कारण होता है? तो याद रखिए लाइकोपीन तत्व की उपस्थिति के कारण। अगला है बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है, आधे कप को भरने में कितना समय लगता है? 59 मिनट। अगला है थायरोक्सिन क्या है? तो हार्मोन। अगला है ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल मंडल में। टेमेरिड में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टेरिड अम्ल। अगला है मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायक करने वाला विटामिन है? विटामिन ए। फिलास्टर ऑफ फेरिस का रासायनिक नाम है? तो हाइड्रस कैल्सी कैल्शियम सल्फेट। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल। अगला है फसलों के कीट नियंत्रक में हरे रंग का छोटा ततैया जो 200 प्रकार के नुकसानदेह कीटों को खाकर जीवित रहता है और नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है? ट्राइकोडर्मा। अगला है एक जैविक फफूंद नाशी जिसका प्रयोग बीजोपचार भूमि उपचार तथा खड़ी फसलों का पर्यायी छिड़काव में किया जाता है घुलनशील पाउडर उसे कहते हैं? ट्राइकोग्रामा। अगला एक जैविक रसायन जो कपास चना मटर अरहर सोयाबीन मसूर मूंग उड़द लोबिया ग्वार आदि फसलों में लगने वाली सुंडियों को नियंत्रित करता है उसे पुकारा जाता है? NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रल वायरस। अगला एक फफूंद नाशक उत्पाद जो पौधों फसलों में लगने वाली फफूंदी को नियंत्रित करता है? विवेरिया वेसियाना। अगला एक बैक्टीरियल पेस्टिसाइड जो फसलों में विभिन्न प्रकार के छेद करने वाले काटकर कुतर कर खाने वाले कीटों को मार देता है उसे कहते हैं? BT बायोपेस्टिसाइड। अगला एक ऐसा कृषि उपकरण यंत्र जिसमें मादा कीट को रखा जाता है और उसके द्वारा नर पतंगों को पॉलीथीन की थैली में फंसा कर नियंत्रित किया जाता है उसे पुकारा जाता है? तो फेरोमैन टैप। अगला है गलकंड रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? थायरॉयड। अगला है कौन सा कीट काला जार फैलाता है? सैंड फ्लाई। अगला है धातु की एक वर्गाकार प्लेट में वृत्ताकार छेद किया जाता है गर्म करने पर छेद में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ेगा। अगला है मोती मुख्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की गई है? तो याद रखिए विटामिन ए के लिए। अगला है पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयोग की जाती है एथिलीन। अगला है किस पदार्थ को फेलो स्पर्स बोल कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को। अगला है RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। अगला है रासायनिक नाम हाइप्रो क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। अगला है गेहूं की प्रजातियां PDW 295 HD 4612 HI 8637 किस स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं? तो कठिया किस्म की। अगला किस घटना
के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो याद रखिए अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण। अगला, हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है? तो लाल रक्त सेल्स की। अगला है, दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं? तो ये हाइड्रोजन और कार्बन। अगला है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। अगला है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक है ब्यूट्रेन। अगला है, किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से। अगला है, एक हृदय धड़कन का समय कितना है? तो 0.8 सेकेंड। अगला है, फिलास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है क्या है? टोकोफेरॉल। अगला है, शरीर में ताप स्थाई को धारण करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। अगला है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी में। अगला है, शक्कर को ग्लूकोज और फैक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक का नाम है इन्वर्टेज। अगला है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ए तथा ओ का ग्रुप का। अगला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक कौन है? तो रुधिर। अगला है, मलेरिया परजीवी क्या है? तो याद रखिए प्लेज्मोडियम वाई वैक्स। अगला, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स के। अगला है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला है, चांदी का कौन सा यौगिक फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड। अगला है, हीरा ग्रेफाइट किसका प्रारूप है? कार्बन का। अगला है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कीटों का। अगला, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो वातावरण से। अगला हमारा, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। अगला है, पृथ्वी की भ्रमण गति है? तो याद रखिए 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला है, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो 1017 जूल। अगला, विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम सिल्वर के थोड़ पर एकत्रित होता है क्या कहलाता है? एक फेराडे। अगला है हमारा, किस हीनता के कारण फिलाग्या रोग होता है? तो याद रखिए पेंटोथेनिक एसिड। अगला है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिए मस्तिष्क। अगला है, अनुवांशिकी के जनक किन्हें माना जाता है? तो याद है करिए जे मेंडल को। अगला है हमारा, पाइरोमीटर का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है? उच्च तापमान के मापन के लिए। अगला है, वायुमंडल की सबसे नीचे परत कहलाती है झोम मंडल। अगला है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? ई इस्कीमिया। अगला है, बीसीजी किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है? तो क्षय रोग या टीबी का। चलिए, तो हम साइंस, जनरल साइंस देख रहे हैं या सामान्य विज्ञान, तो इनके वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं उनके आंसर। तो हमारा, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं? तो याद रखिए प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगला हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो C14। अगला, पारे की बूंदों का संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए। अगला हमारा, रेफ्रिजरेटर का फेजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है, इससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। अगला, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है? तो याद रखिए जीवाश्मों की आयु का निर्धारण। अगला है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? तो याद रखिए क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। अगला है, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो याद रखिए ड्यूटेरियम।
अगला, विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बॉरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला, अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस में। अगला, हाइपर एमनेसिया क्या होता है? तो असाधारण स्मरण शक्ति। अगला, हमारा ट्रोपोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिए, 0 से 16 किलोमीटर। अगला, स्ट्रेटोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई है 16 से 50 किलोमीटर। मीजोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। थर्मोस्फीयर का विस्तार है 80 से 500 किलोमीटर। एटमोस्फेयर अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है 0.4%। अगला, रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो याद रखिए, विटामिन ए की कमी से। अगला, रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है? तो याद रखिए, गठिया का। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? तो जोनास ईसाक ने। अगला, अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा? तो याद रखिए, W.L. Johnson ने। अगला, प्लास्टिक उद्योग में PVC किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है? तो याद रखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। अगला, भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती अपनी प्रत्यास्थता के कारण? अगला, न्यून ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है? निम्न तापिकी। अगला, कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के। अगला, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सा ग्रहण पड़ता है? सूर्य ग्रहण। अगला, इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा कहाँ उपलब्ध है? तिरुवनंतपुरम केरल में। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परिता एक चक्कर पूरा करता है? तो याद रखिए, बुध। अगला, वेरियम मील का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो याद रखिए, आहार नालिका के एक्सरे के लिए। अगला, प्राकृतिक यूरेनियम में U-232 की मात्रा लगभग कितनी है होती है? तो 0.7%। अगला, टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिए, तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां। अगला, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो याद रखिए, आर्गन। अगला, कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? थोरियम का। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? लॉर्ड रदरफोर्ड ने। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना होता है, तो लिफ्ट त्वरण क्या होगा? तो त्वरण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अगला, हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। अगला, 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10^-7 सेंटीमीटर के। अगला, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? थायरोक्सिन की कमी के कारण। अगला, हमारा डीप पीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगता है? तो यह डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस की रोकथाम के लिए। अगला, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। अगला, डेंडालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए, वृक्षों का। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन। अगला, एस्टोडी क्या है? तो याद रखिए, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। अगला, हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए? प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो याद रखिए, तिरुवनंतपुरम में। अगला, कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद। अगला, जोसेफ पिस्टले ने किस गैस की खोज की? ऑक्सीजन की। अगला, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। अगला, किस तत्व के द्रव्यमान संख्या ए परमाणु संख्या जेड है? इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी
माइनस जेड जेड कॉमा जेड, ए माइनस जेड कॉमा जेड जेड, मतलब न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, प्रोटॉन जेड, इलेक्ट्रॉन जेड। अगला है कुल्थी, एक दलहनी फसल है जिसे दाना एवं चारे में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन तत्व। लेग्यूम शब्द की उत्पत्ति भी है लेटिन शब्द से। अगला है फसलों में बीटी क्या है, एक मृदा जीवाणु। अगला है कौड़ीय संवेग एवं रेखीय संवेग की विमा बताइए, तो ये क्रमशः एम एल की पावर एल स्क्वायर, टी की पावर माइनस वन, एम एल टी की पावर माइनस वन। अगला है रेलवे ट्रैक के मोड़ के या वक्र के निकट का वह भाग सामान्यतः किस लिए उठाया जाता है, रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए। अगला है शहद का मुख्य भाग है फ्रुक्टोज। अगला है मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन्स। अगला है दृश्य विकास के वर्णक्रम का तरंग दैर्ध्य परास है 4000 से 8000। अगला है कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। अगला है विद्युत चुम्बक किसके बनाए जाते हैं, नरम लोहे के। अगला है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो यह के बेंडिस। अगला है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। अगला 18 कैरेट सोने में सोने की प्रतिशत होती है 75%। अगला प्रोटीन हीनता जन रोग है क्वासियोकर। अगला स्तनधारियों में तिल्ली का क्या कार्य है, तो ये रक्त उत्पादक ऊतक के रूप में। अगला हमारा डीएनए होता है, तो यह डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला है डी2ओ भारी जल। अगला हैवी वाटर हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, ड्यूटेरियम। अगला है फ्लाग्या रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, तो नियासिन विटामिन बी2 की कमी। अगला है कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग के लिए किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है, सोडियम एजाइड। अगला किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन बी12 में। अगला उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, थर्मोकपल। अगला इसरो का पूर्ण नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम संबंधित है, लाइपेज। अगला टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आते हैं। अगला विटामिन बी12 किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है, एनीमिया। अगला क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है, वह मैग्नीशियम की उपस्थिति। अगला है आवास सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया, मेंडेलीवियम 101 मत का। अगला है बड़े द्वार के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं, तो यह अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए। अगला है स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाने पर कौन सी बीमारी होती है, तो यह मेनिनजाइटिस। अगला है विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है, कोड़ाई कनाल तमिलनाडु में। अगला है दाब मापने का मात्रक पास्कल है, जो बराबर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब के। अगला है हमारा संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होते हैं, आरोपित बल के। अगला है एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है, ताप तथा आर्द्रता को। अगला है कंप्यूटर के संबंध में DOS का क्या अर्थ है, वेयर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं, मेनू। अगला है विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो याद रखिए शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके करने से CaOH(CaO)(CL2)CaOCl(CL)H2O। अगला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, कवक से। अगला है भारत द्वारा विक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। अगला है मानव आराम आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
अगला है न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? संवेग का। अगला है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस को। अगला है समय वेग ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है? त्वरण। अगला है जी किरण बनी है तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की। अगला है रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स क्या होते हैं? तो याद रखिए प्रोटीन्स, स्टीरॉइड्स तथा बायोजेनेटिक अमीन्स। अगला है विकृति की बीमा क्या होती है? तो याद रखिए विकृति बीमाहीन राशि है। अगला है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। अगला है भोजन में प्रोटीन की कमी से किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका रहती है? तो यह क्वासी ओकर और कर। अगला है मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारण करने वाले जैविक रंजन को क्या कहते हैं? तो यह मेलानिन। अगला है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं हार्मोन। अगला है नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? तो फिलाग्या। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है हाई क्वालिटी प्रोटीन लाइसिन ट्रोपोपेन ट्राइपोपेन तत्व में जैव विविधता। अगला जैव विविधता के पितामह जनक हैं ईओ विल्सन। अगला है हमारा एड्स मलेरिया दांत क्षय रोग में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? क्षय रोग। अगला है दिल की बीमारी जिससे रक्त पूर्ति पर्याप्त होती है क्या कहलाती है? एंजाइना। अगला है पेडियाटिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? शिशु रोगों के। अगला है पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस से भांति व्यवहार करता है? अब सारी लेंस की तरह। अगला है गुप्त ऊष्मा की बीमाएं हैं तो याद रखिए L²T⁻²। अगला है गर्म पानी के गीजरों के अंदर अस्तर तांबे का क्यों मनाया जाता है? तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगला है सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। अगला है किस रंग के विकास का विकिरण सबसे अधिक माना जाता है? तो याद रखिए बैंगनी विकास। अगला है पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? याद रखिए यह फरासरण द्वारा। अगला है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। अगला है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला है 1024 वाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाइट के। अगला है तंत्र तिसिक विकास किरण पुंज कहलाता है? तो याद रखिए लेजर। अगला है अन्य आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण। अगला है हमारा CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो यह मैथिल एल्कोहल। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। अगला है विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? फिलाग्या। अगला है भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। अगला है रात्रि दृष्टि उपकरण में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। अगला है बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। अगला है भारी जल का अणु भार कितना होता है? 20। अगला है 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है यदि एक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार होगा 0। अगला है सूर्य के परिता पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति होगी 1.2 × 104 kHz। अगला है सेल का EMF का निरूपित करता है कार्य। अगला है कंप्यूटर में डॉस का क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। अगला है डेंडालजी का संबंध किसके अध्ययन से है? झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से। अगला है प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। अगला है टेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? आंख से।
अगला है फौजी टॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने 1932 में। अगला है युग्म उत्पादन की घटना है, तो किसी नाविक द्वारा जी किरण फोट्रॉन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना। अगला है बर्नौली का सिद्धांत आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है, तो टाइटेरियम टाइटेनियम। अगला है हाइड्रोजन का रेडियो धर्मी इसमें स्थानिक कौन है, तो ट्रिटियम। अगला है ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित होता है, मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता। अगला है गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है, तो कम प्रोटीन वाला। अगला है कैटेरेक्ट किस अंग की बीमारी है, आंख की। अगला है एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, महामारी रोगों का। अगला है वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अगला है किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो याद रखिए एबी रक्त ग्रुप वाला। अगला है क्षय रोग के लिए जैव रोधी उपयोग होता है स्टेपिटोमाइसिन। अगला है फ्यूज बारे का उपयोग किस लिए किया जाता है, अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए। अगला है हमारा अधिकतम घात वर्ण धातु है, तो याद रखिए सोना। अगला द्रवित पेट्रोलियम गैस में होता है ब्यूटेन प्रोपेन। अगला सुप्रतिष्ठित गन्ने का वनस्पतिक नाम है सेकेरम ऑफिसेनेरा। अगला सफेद भेंगक का वैज्ञानिक नाम है होलोट्रेचिया कॉन्सानगोनिया। अगला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत सस्य मौसम तथा सस्य परिस्थिति जोन की संख्या के अनुसार 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स और 131 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। अगला है स्व परागण क्रिया किससे संबंधित है, स्व निषेचन से। अगला है हमारा पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े को चीज कितने दिनों तक पिलानी चाहिए, 10 दिनों तक। अगला है पशु के चित्त में गाय में दुग्ध ज्वर किस पोषक तत्व की कमी से होता है, कैल्शियम। अगला है आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है, आलू चिप्स होना 1, 2, 3 प्रजातियां। अगला है फूल गोभी में हेप्टेल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो यह मौली बिडेनम। अगला है पाइराइट का सूत्र है Fe2। अगला है ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला पशु पक्षी है, तो चमगादड़। अगला है हमारा मनुष्य में कठोरतम पदार्थ कौन सा है, एनिमल। अगला है हमारा एक हार्ट बीट में अनुपात कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। अगला है स्फेग्मोमैनोमीटर किस कार्य के लिए उपयुक्त होता है, तो यह रक्त दाब नापने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए। हम लोग सामान्य विज्ञान की प्रश्न देख रहे हैं वन लाइनर में, तो विकास के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो याद रखिए नीले और लाल रंग के अवयव। अगला है क्रायो अभिरक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो याद रखिए -196 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग होता है, तो याद रखिए 0.72%। अगला है भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, तो कवालपुर तमिलनाडु में। अगला है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम। अगला है कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं, तो याद रखिए न्यूट्रॉन बम। अगला है किसान खाद कही जाती है, तो याद रखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। अगला है पूसा जय किसान जिसका सोमा केलोन है, तो भारतीय सरसों का। अगला है पेलोफॉस उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा है 11%।
अगला है गन्ने में पहला झंडा झूल झूलसा इस पादप पोषक तत्वों की कमी में पैदा होता है, तो याद रखिए मैग्नीज तत्व। अगला है कैम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं, तो याद रखिए रात्रि के समय। अगला है टीपीएस तकनीक किस फसल से संबंधित है, तो ये आलू बीज विकास से। अगला है देश में हरित क्रांति 1966-67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई जो मुख्य किस फसल में सफल रही, जिसके पितामह जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में और डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट वर्लॉग विश्व में रहे, तो गेहूं गेहूं में सोनरा 63 सोनरा 64 लार्मारोही प्रजातियों द्वारा। अगला श्री तकनीक प्रयोग की जाती है धान के लिए। अगला है टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो लाइकोपीन। अगला है किस वैज्ञानिक ने पोलिनियम तत्व की खोज की थी, तो याद रखिए पेरी क्यूरी मैडम मैरी क्यूरी ने, पेरी क्यूरी ने एवं मैडम मैरी क्यूरी ने। अगला है द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। अगला है एलपीजी में मुख्यता होता है, तो याद रखिए मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अगला है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन। अगला है कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को। अगला है दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, डेंटाइन के। अगला है किन तरंगों का ध्रुवण संभव है, तो एवं रखिए याद रखिए केवल अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला है डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता का। अगला है औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है, तो याद रखिए एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। अगला है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र हैदराबाद। अगला है रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। अगला है सीएटी का अर्थ है, तो याद रखिए कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी। अगला है कोलोजन किसका घटक है, तो स्किन का। अगला है खानों के अंदर अधिकांश विस्फोटक किन गैसों के मिल जाने से होता है, तो याद रखिए मीथेन और वायु। अगला है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, गहरा नीला। अगला है फिलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। अगला है त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति है जिसे CS234-2 के नाम से पहचानित किया जाता है, किस फसल की प्रजाति है, राई लहा। ठीक है, अगला है अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व होता है, NO2। अगला है धान की कौन सी वोनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित हुई, गोविंद प्रजाति 1982 में। अगला है एग्रोनॉमी एग्रोनॉमोस सस्य विज्ञान किस भाषा के शब्द से विकसित हुए, ग्रीक। अगला है एग्रीकल्चर अर्थात एग्रीट फील्ड कल्चर कल्टीवेशन, फील्ड कल्टीवेशन शब्द है लेटिन भाषा से। अगला है लवणीय मृदा में विनियमनशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से कम। अगला है लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनियमनशील सोडियम की मात्रा होती है, तो 15% से कम अधिक 15% से अधिक। अगला है अम्लीय मृदा का pH मान होता है 7.0 से कम। अगला है क्षारीय मृदा का pH मान होता है 7.0 से अधिक। अगला है भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग 70% क्षेत्र वर्षाधीन है, तो 60%। अगला है कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है क्योंकि पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। अगला है भूस्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आपातकाल कितना होता है, 24 घंटे। अगला है परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। अगला है गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है,
बढ़ता है। अगला है बैरोमीटर में जल की तुलना में फारे के उपयोग का प्रमुख कारण है। फारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होना। अगला है लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है, तो आयरन आयरन ऑक्साइड बन जाने से। अगला है रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है, शुद्ध कार्बन। अगला है हमारा शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है उसके खराब ना होने का क्या कारण है, पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च परासरणी सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते। अगला है जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है वहां लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो वेरी 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 वेरी। अगला है देश में आम पाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की, डॉक्टर आर एन सिंह द्वारा। अगला है एच क्यू पी एम फाइव मक्का की प्रजाति की विशेषता है, याद रखिए उच्च गुणवत्ता प्रोटीन लाइसिन में धनी ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता। अगला है नाना किस फल की प्रजाति है, अनार। अगला है आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई, तो याद रखिए दशहरी नर और नीलम मादा। अगला है आम की नई संकर प्रजाति H311 किसके क्रॉस से बनी है, तो अल्फोंसो और नीलम से। अगला है आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2019-2009 में किन प्रजातियों क्रॉस से विकसित हुई, आम में पाली वनराज। अगला है दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई है, बेल। अगला है DPT का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है, डिप्थेरिया कुकर खांसी तथा टिटनेस से बचाने के लिए। अगला है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, तो प्रोटीमियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम। अगला है किस तत्व की द्रव्यमान संख्या ए है, परमाणु संख्या जेड है, तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी, तो A-Z अपनी प्रोटॉन की जेड फिर इलेक्ट्रॉन की जेड। अगला है कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परिता एक चक्र पूरा करता है, बुध। अगला एक व्यक्ति भार में लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा, तो जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अगला एक हेक्टर क्षेत्रफल बराबर होता है, तो याद रखिए 10,000 वर्ग मीटर। अगला एक एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है, तो याद रखिए 43,560 वर्ग मीटर। अगला नीली क्रांति का संबंध है, तो मत्स्य उत्पादन से। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध है, दूध उत्पादन में क्रांति से। अगला है भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला हमारा विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह हैं या जनक, तो डॉक्टर एन ई वॉलॉव। ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट वॉलॉव मैक्सिको के थे, 2009 में 95 वर्ष की उम्र में इनका देहा वो आसान हो गया था, मृत्यु हो गई थी। ठीक, भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी IARI इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ, 1955। अगला ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना हुई 1929 में 16 जुलाई को। अगला है हमारा कृषि प्रसार में T&B ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ 1974 में। अगला है देश की प्रथम सरसों संकर विकसित हुई, तो NRCHV506 भरतपुर केंद्र राजस्थान से। अगला है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है, तो याद रखिए विस्फोटक की भांति। अगला है रात्रि में दिखने के लिए कौन से तरंगे प्रयुक्त की जाती है, तो ये अवरक्त तरंगे। अगला है पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है, प्रोटीन को पचाने में। अगला है मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी मुक्ता बनी होती है, तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला है पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार की लेंस की भांति कार्य करता है, तो ये अवतल लेंस की भांति। अगला है हमारा पेनिसिलिन की खोज किसने की, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है बीमारी का जर्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो है लुईस पाश्चर।
अगला है तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण। अगला ओम इंटू मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? वह विशिष्ट प्रतिरोध का। अगला नियासीन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? फिलांकिया रोग। अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य क्या स्थापना हुई? तो याद रखिए सितंबर 1985 में। अगला देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु MFPI मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया जुलाई 1988। अगला PPRC पेडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बदलकर अब किस नाम से जाना जाता है? IICPT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु में। अगला है हमारा NMPPB नेशनल मीट पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड को कब स्थापित किया गया? 20 जनवरी 2009 को। अगला है देश में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ जिसमें आत्मनिर्भरता हासिल हुई एवं नया कीर्तिमान स्थापित हुआ तो 241.6 मिलियन टन। अगला है देश में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक का रिकॉर्ड दलहन उत्पादन देश में हुआ तो 181 लाख टन। अगला है वर्ष 2010-11 के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य 1020 लाख टन का रखा गया था जो वास्तविक चावल उत्पादन रहा 953 लाख टन। अगला है भूमि के जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन नहीं हो और सिंचाई संतुलन रूप से हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना होगा? तो ये याद रखिए फुब्बारी सिंचाई या ड्रिप सिंचाई ड्रिप। अगला है सिंचाई की नई विकसित पद्धतियों में कौन सी पद्धति आती है जिसमें 25-40% सिंचाई जल की बचत होती है अपेक्षाकृत पुरानी पिछली देसी पद्धतियों के हैं जिसमें डीप सिंचाई एवं स्पैंकलर सिस्टम। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से। अगला है LPG में होता है तो द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन याद रखिए। अगला है कैलोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में होता है? यह टाइफाइड के उपचार में। अगला है क्या क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अगला है किडनी में बनने वाले पथरी में अधिकतम पाया जाता है तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला है रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्य तक किस मात्रा में प्रदर्शित किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। अगला है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण। अगला हमारा ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। अगला हमारा रेबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का। अगला है भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने वर्ष 2010 में किस तारीख माह में स्थापना दिवस पर कृषि विज्ञान को डीजी डॉक्टर एस अयप्पन द्वारा नई खोजों हेतु पुरस्कार वितरित किए गए? तो याद रखिए 16 जुलाई 2010 को स्थापना हुई थी इसकी 16 जुलाई 1929 को। अगला कृषि मंत्रालय में डेयरी कब स्थापित हुई? डियर तो ये हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन तो ये दिसंबर 1973। अगला है देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1993 में। अगला देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 570। अगला है नार्म स्थित हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एंड नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल कितने एकड़ के बराबर होता है? तो याद रखिए 2.47109 एकड़। अगला नत्जन तत्व की कमी का कौन सा सूचक पौधा है? तो फूल गोभी या पात गोभी। अगला पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है आलू। अगला है बोरोन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है सूरजमुखी। अगला है लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है फूलगोभी पादगोभी आलू जई।
अगला है कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? वग। अगला है पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन कैसे बदलता है? तो याद रखिए 0 से 0 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, फिर बढ़ने लगता है। अगला है पाल से किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। अगला है दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। अगला है न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग का। अगला है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर MC का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। अगला है कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? तो आयरन सल्फाइड। अगला है यदि माता पिता का रक्त ए है उसके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? रक्त ग्रुप ए होगा। अगला है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अगला हमारा एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा। अगला है DPPQ and S मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में। अगला है DPPQ and S डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज के अधीनस्थ LWO लोकस्ट बार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन टिड्डी नियंत्रण अनुसंधान हेतु राजस्थान के किस शहर में वायरलेस कम्युनिकेशन का मुख्यालय स्थित है? तो याद रखिए जोधपुर में। अगला है तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है? तो याद रखिए तिल को। अगला है विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? दूसरा, चीन के बाद। अगला है तिल को फसल को फाइलोडी रोग नियंत्रण हेतु IT है? तो तिल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए। अगला है भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य है? पश्चिम बंगाल। अगला है NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई? तो रबी की फसल में 1999 से 2000 में। अगला है ACAB एग्री क्लिनिक्स एग्री योजना सेंटर स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा लॉन्च की गई वर्ष 2002 में। अगला है KCCS किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई? 21 जनवरी 2004 को। अगला है मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश। चलिए तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर ऑनलाइनर में।